ॐ गणपतये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे की क्या राय है, क्या ये ठीक है? यदि हम कोई संदेश देते हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए देते हैं क्या? नहीं विच, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। सिनेमा और एंटरटेनमेंट में क्या गलत है और मैसेज देने में भला क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक कह रहे हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर संदेश ज्यादा होंगे तो ऑडियंस नाराज हो जाएगी, ये सब उसे उपदेश लगेगा, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो उन्हें कहानी में शामिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं विजय, अगर आपकी कहानी अच्छी हो तो जनता उससे जरूर जुड़ती है और संदेश भी प्राप्त होता है। तो अगर संदेश देना हो तो वह कैसे दिया जाएगा? देखो विजय, आजकल की युवा पीढ़ी ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पे टाइम खराब कर रही है। और इसी वजह से वो पुस्तकों से कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं और उन पुस्तकों का ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। विजय, फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश अभी तक विकसित क्यों नहीं है? हम बार बार अंतरराष्ट्रीय ऋण क्यों लेते हैं? मीडिया का हिस्सा होने के नाते इन सब मुद्दों पे बात करना हमारा फर्ज है। हाँ भाई, लेकिन जो इन मुद्दों पे बात करने वाले हैं वो परेशान नहीं है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम बात करें तो? वैसे कितना ऋण करते हैं? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर हिसाब लगाया जाए तो भारत देश के हर एक व्यक्ति पर लगभग 1,25,000 रुपए का ऋण है। विजय, ओह शिट, मैं चर्चा के दौरान पेन और पैड लाना भूल गया। स्क्रिप्ट के बारे में बातें चल रही है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम्हारा फोन बज रहा है। भाई, मेरे दोस्त का फोन है, मैं बात करके आता हूं जरा। हेलो भाई। हाँ भाई, अब मैं समझ गया हूं। हेलो सर, मैं यहाँ पर बेकरी में हूँ। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आता हूँ। हाँ, ठीक है भैया, क्या स्क्रिप्ट के लिए ये सब चर्चाएं जरूरी है? हाँ कृष्णा, अगर हम इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे तो स्क्रिप्ट के लिए हमें अच्छे विचार भी मिलते रहेंगे, तो इस पे आगे बढ़ें। हाँ भाई, ठीक है। हेलो सर, आप बिल दिए बिना जा रहे हो? सॉरी, भूल गया था कृष्णा, मैं पैसे लाने भूल गया हूँ। सर, मेहरबानी करके उधार खाते में डाल दीजिए, मैं बाद में चुका दूंगा। कोई बात नहीं, आप बिल कल भी भर सकते हैं। अभी आप ही तो बता रहे थे कि ऋण, राज्य, ये सब एक ही शब्द से शुरू होता है। इन सब का कारण एक ही है, जो है कल। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई सर। देखो मेरी एक बात सुनो, एक व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा तब कमाता है जब उसे कल का डर हो। देश के भ्रष्ट लोग और वो लूट रहे हैं, इससे देश का कल्याण कैसे होगा? इन सब का कारण है कल, समझे? और आपको भी कल पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने कल पर इतने डिपेंड है तो आपके आज का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये पीएम है क्या? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? मैं बात कर रहा हूँ ना सर, मैं आपके पैसे कल तक चुका दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है ठीक है भाई, मैंने कल पैसे देने के लिए बोल दिया। कोई बात नहीं विजय, मैं दे देता हूँ। अरे भैया, भला कल का इंतजार क्यों करना? सर, आपका कितना बिल हुआ? 300 रुपए। ये लीजिए आपके पैसे। जी सर। ठीक है ना? क्या हुआ विजय, तुम इतने शांत क्यों हो? पहले तो तुम बहुत खुश थे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मेरे पास पैसे होते तो वहीं के वहीं बेकरी वाले को दे देता, तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ता। अरे विजय, वो आदमी जो कार में आया था ना, वो बहुत दिनों बाद मिला था, इसलिए हम काफी देर तक बात करते रहे, तभी तो मुझे आने में देरी हो गई। अरे मेरा मतलब ये नहीं था यार, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर मेरे पास पैसे होते तो अच्छा होता। प्रोड्यूसर की तलाश में मैं दर दर भटक रहा हूँ लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा, समझ में नहीं आता असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे बनूंगा। देखो विजय, निराश मत हो, इंसान की हार तब तक नहीं होती जब तक वो इंसान खुद अपनी हार नहीं मान लेता, तुम्हें प्रयास करते रहना पड़ेगा, समझे?
भाई, मुझे कोई भी काम दिला दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। देखो विजय, हर किसी को एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत होती है जो अच्छे से काम कर सके। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है। भाई, मैं बुद्धिमान हूँ या मूर्ख हूँ? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। वो कैसे? फ्लैशबैक को याद करो। पता नहीं इस देश का क्या होने वाला है। दादा, मुझे दाढ़ी ट्रिम करवानी थी। ठीक है, बैठो, इसके बाद करता हूँ। सुनो गुरु, ऐसा कैसे होगा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, अब इसके बाद भी वेट करना होगा क्या? अगला मेरा नंबर है। ठीक है सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलो कृष्णा। ओ, तुम वहां पे हो? ठीक है, मैं आता हूँ। दादा, मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा वेट कर रहा है, मैं शाम को आता हूँ या फिर कल को आऊंगा, ठीक है? अरे बाप रे, सर 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 सर, नमस्ते सर, मेरा नाम शिवू है। नमस्ते नमस्ते, क्या आपको बाल नहीं कटवाने? जी बाद में कटवा लूंगा। सर, आप किसी असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, मैं एक डायरेक्टर सर, मुझे भी फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। सर, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? वैसे तुम हो कहाँ से? सर, मैं मंडिया से हूँ। अच्छा? सर, मैंने फिल्मों के लिए पिछले 3 महीने से अपना घर छोड़ दिया। ओ, मैं यहाँ पे एक लॉज में रहता हूँ सर। क्या मेरे भाई, बैंगलोर में लॉज में रहना बहुत ही महंगा है। तुम्हें काम करो, यही पास में मेरा रूम है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? क्या सच में? हाँ। सर, आपके रूम में कौन कौन रहता है? मैं और मेरा दोस्त विजय, बस हम ही दोनों। ओ, अच्छा, तुम्हारी उसके साथ बहुत जमेगी। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई, मुझे आपकी ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मतलब आपने एक नाई की दुकान से किसी को अपने घर में बिठा लिया? ए भाई, तेरा फोन बज रहा है, अपना फोन उठा पहले। एक मिनट। हेलो भैया, नमस्कार, आप अपना मुझे नंबर भेजिए, मैं आपकी डायरेक्टर से बात कराता हूँ। ठीक है भैया, मुझे किसी से मिलना है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो जल्दी जाओ। हाँ। कितनी देर से तेरा फोन बज रहा है, उठाता क्यों नहीं है? अरे यार, मैं क्या करूँ, कुछ डायरेक्टर्स मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं और मेरा दिमाग खा रहा है, क्या करूँ मैं? डायरेक्टर तेरे को बुला रहा है और तू बोल रहा है कि तेरा दिमाग खा रहा है? मेरे जैसे बुद्धिमान आदमी का नंबर ये चंद्र नाना ने किसी डायरेक्टर को दिया है। अरे पहले उसका फोन उठा के उससे बात तो कर। हाँ हाँ, उठाता हूँ। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, ओ, मुझे लगा वसुंध गुड़ी वाला राम मंदिर। कहाँ सर? अच्छा, वो मंदिर। सॉरी सर, वहाँ आने के लिए 1.25 घंटा लगेगा सर। हाँ कोई बात नहीं। ए शिवू, जो पता उसने बताया वो तो पास में ही है। अरे भाई, मैं आपके साथ थोड़ी देर बात कर लूँ फिर जाता हूँ। अरे जल्दी जाओ और जाकर उससे मिल। ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम्हें लेट क्यों हुआ? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, लेट क्यों हुआ? हे मामा, डर क्यों रहे हो मुझसे? पास आओ। अगर कोई लड़की होती तो नहीं बैठते क्या? कम या ज्यादा, हूँ तो मैं औरत ही ना। ए मामा, उससे बात कर रहा है तो मेरे से भी बात करना रे। अरे राजा। ए यो, अरे भाग रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो? ना मेरी बात मामा, कहाँ भाग रहा है? मैं सिर्फ पैसा ही है ना, ये लो। मुझे पैसा नहीं, मुझे तू चाहिए। बैठे ना सर, बैठे ना सर, प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, बैठिए ना। बैठिए सर, आप इतना डरते क्यों हैं सर? अभी तुम ऐसे बिहेव करेगे तो मुझे डर तो लगेगा ना। हम भी तो आपकी तरह एक इंसान ही हैं, ये तो समाज ने हमें अलग नाम दे दिया है, बस और कुछ नहीं। हमारे साथ बैठने से डरिए मत, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है सर, समझ गए? सर, हम सिर्फ जागरूकता पैदा करने के लिए नाटक कर रहे थे। आप दोनों अभी ड्रामा कर रहे थे। सर 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 सर, तो बता मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? तूने तो बहुत अच्छा नाटक किया रे। क्या क्या कह दिया भाई? देख विजय, ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं कैरेक्टर को जीने के लिए। सब लोगों को इन्हीं की तरह दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तभी जाकर आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी। विजय, यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, शिवू के पास ये समर्पण और विनम्रता नहीं है, वो तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है, उसके साथ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब तुम हंस क्यों रहे हो? भाई, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हम उसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता विजय,
जरूरत है उनको समझने की और एक मौका देने की। क्या हमारे डायरेक्टर अंदर है क्या? क्या तुम्हें याद है आज तक उसने किसी के साथ भी सभ्यता से बात की है? ठीक कहा विजय, मैं जानता हूँ उसके नेचर के बारे में, पर हमारा कृष्णा वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, सबकी सलाह ध्यान से सुनता है। मुझे पूरा यकीन है कि कृष्णा एक न एक दिन शिवू से बहुत ऊपर जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा है सर। सर जो आप फिल्म बना रहे हैं उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करना है। सर प्लीज मुझे चांस दीजिए। एक मिनट, मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ ये मेरी वाइफ को तक नहीं पता, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? सर आपकी हीरोइन नक्शा मैडम, उन्होंने मुझे बताया। ओ ओके ओके, आओ गाड़ी में बैठो। थैंक यू सर। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? विजय मुझे पता है कि शिवू कैसा है और कृष्णा कैसा है, मैं उन दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हारी सोच बदल जाए, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं उसके बारे में बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। सर मुझे चांस तो बहुत मिले पर सर मैं कुछ चुने हुए डायरेक्टर के साथ ही काम करता हूँ। कौन कौन से डायरेक्टर के साथ काम किया? सर उपेंद्र के साथ। ओ उपेंद्र के साथ? प्रेम। ओ प्रेम के साथ भी? हाँ। अरे प्रेम को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कल ही सेंचुरी क्लब में मिले थे हम लोग। एक नए प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग तकरीबन एक घंटा चर्चा करते रहे। नॉर्मली उसके पास बात करने का इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन उसने मेरे लिए निकाला, मैं अभी उसे फोन करके बुलाता हूँ। सर आप किस प्रेम की बात कर रहे हो? अरे जोगी प्रेम। अरे सर मैं तो अपने एक दोस्त के बारे में बात कर रहा था, उसका नाम भी प्रेम है सर, वो भी एक डायरेक्टर है। वो हमेशा झूठ बोलता है, हम उस पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है विजय, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि आगे चलकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मुझे इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता, आप चाहो तो खुद ही हर बार देख सकते हो ना, आप जब भी कोई काम करने के लिए कहते हो तो शिवू कृष्णा से बेहतर करता है। एक बात बताओ, तुम नक्षत्र मैडम से मिले हो क्या? नक्षत्र मैडम से तो नहीं मिला, पर मैं पहले उनके असिस्टेंट से मिला हूँ सर। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो कृष्णा है ना ये ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहने वाला। शिवू सर वो लोग कहाँ गए जो एक अफसर की तलाश में आए थे? सर उनको किसी प्रोडक्शन हाउस से फोन आया सर, किसी डायरेक्टर ने उनको बुलाया होगा सर, तो लोग अभी चले गए सर। सर तो अब मैं ही बचा हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जरूर काम दूंगा। शिवू ये सिगरेट से ना मुझे जरा प्रॉब्लम है। सर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब शुरू होगा? 6 महीने में शुरू हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे पक्का चांस दूंगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है सर। अगर मेरा समय अच्छा हुआ या तो कुछ गलत हो गया आप मुझे बुलाओगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा सर। ठीक है सर, चलता हूं। सिगरेट छोड़ देगा ना? अभी नहीं सर, 6 महीने बाद हम मिलते हैं सर। कोई भी इंसान शिवू से काम करवाना पसंद नहीं करता, लेकिन हर इंसान कृष्णा से काम करवाना पसंद करता है। सर एक मिनट। हाँ उठा लो। कृष्णा। हाँ भैया। कहाँ पे है तू? अभी मैं डायरेक्टर के साथ हूँ भैया। कहाँ पे है तू? एक काम कर, मीटिंग के बाद मुझे कॉल कर, मैं तुझे और डायरेक्टर्स के भी नंबर दूंगा। ठीक है भैया। सर हाँ सर, मैडम मैडम तैयार हो रही हैं। सर क्या? सर कॉस्ट्यूम में कुछ प्रॉब्लम है, चेंज करना। सॉरी सर। एक भी काम ढंग से नहीं करते। मैडम क्या मंजू? ओ क्या है ना मैडम की कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ेगा। क्या? शिट। कौन सा? मैडम मैं लेके आता हूँ। कॉस्ट्यूम कौन सा है? सर लाल वाली। मंजू क्या यही हीरो है? हाँ यही है मैडम, आपने कहा था ना कोई बदसूरत सामने खड़ा हो तो ध्यान दूसरे पे जाता है। पॉइंट। नक्षत्र मैडम। हाँ उमेश जी, वो हीरो के साथ आपका रोमांटिक सीन है। आपको बहुत ही प्यार से उनकी तरफ देखना है, और परशु आप हीरोइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यस सर। अरे यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, मेरा प्यारा बच्चा परशु नर्वस हो जाएगा। परशु मैडम ओके एक करते हैं। ओके ओके सर। ओके रेडी 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 एक्शन। आ
कट कट कट। ओ गॉड। हीरोइन के साथ रोमांटिक तरीके से बात करो, एक रेपिस्ट की तरह नहीं। हे भगवान। आपका नाम प्रशांत है ना? जरा प्यार से करो। ओके ओके टेक करते हैं। रेडी सर। ओके। अरे कट करो यार। ओफो रोमेश, इज रियली हर्टिंग मी। प्रशांत। अरे कौन है, उसे डांटो मत। सॉरी मैडम, वन मोर टेक मैडम, प्लीज मैडम, वन मोर टेक मैडम, प्लीज प्लीज। ओके इस बार अच्छे से करते हैं। प्लीज सर। ओके ओके। प्रशांत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? आपके घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों पूछ रही हूँ? इट्स ओके, लीव इट। उमेश रेडी? ओके मैडम, एक्शन। काट 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 काट। ये क्या कर रहे हो परशु, ढंग से करो ना। ओके अब ये प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करती हूँ। प्रशांत। अब ठीक है, अब शूट स्टार्ट करें। ओके उमेश। ओके मैडम, एक्शन। उमेश आई एम रियली सॉरी यार, प्लीज। मैडम 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 एक और टेक मैडम। नो यार, ही इज इम्पॉसिबल, प्लीज पैक अप। क्या कर रहा है कृष्णा? हाँ भैया। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं भाई। भैया आप इतनी ज्ञान भरी बातें कर रहे हो तो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और जो आप बोल रहे हो उसे मैं नोट कर रहा हूँ। विजय, इसे लगता है कि हमें चढ़ गई है और ये मजे ले रहा है। अच्छा सुनो। हाँ? तुम हमारी बातें लिख कर क्या करोगे कृष्णा? भैया कभी भी स्क्रिप्ट की जरूरत हो सकती है तो इसीलिए मैं नोट कर रहा हूँ। सुन लिया ना भाई, तुमको इंडस्ट्री में आए हुए 10 साल हो गए और आज तक कभी अपने अनुभव नहीं लिखे और ये अभी अभी इंडस्ट्री में आया है ये लिख रहा है। विजय, सिर्फ अनुभव ही सब कुछ नहीं होते हैं। ओहो भैया, पार्टी तो बहुत जोरों से चल रही है। अरे शेबू आज तो बहुत जच रहा है, लगता है प्रोड्यूसर ने पेमेंट दे दिया तुझे। वो तो बहुत दूर की बात है, अभी जिस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था उसने मुझे अपने काम से निकाल दिया और जितने भी मेरे पैसे बाकी थे उसने उसमें से एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी। अरे छोड़ना यार। कैसी बात करता है यार, ऐसी बातें करेगा तो कोई तुमको काम देगा क्या? अरे ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं आगे जाके बहुत बड़ा हीरो बन जाऊँ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कैसी बात की, बिजली भी चली गई? मोमबत्ती कहाँ है? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अभी लाइट गई तो हमारे पास कैंडल है। भगवान हमेशा हमारी हेल्प करता है, भगवान हमारा किस्मत का दरवाजा कभी भी खोल सकता है, हमें सिर्फ इंतजार करना है सही टाइम का। दरवाजा खुलने का इंतजार नहीं करना चाहिए, खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है और अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ये सब बनावटी बातें है, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। अभी मैं आया तब आप कुछ बोल रहे थे फिर रुक गए। छोड़ो ये सब बातें, फ्लैशबैक की। ड्रिंक लेगा तुम? नहीं भैया, फिर आपके लिए नहीं बचेगी। तो फिर और मंगा लेंगे, ये बता पिएगा कि नहीं? अब भैया अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है पीते हैं। ए, इतने साल बाद हम भी इनके सामने पीने की हिम्मत नहीं करते। हाँ। और तू कह रहा है कि तू पिएगा? कोई बात नहीं विजय, कृष्णा जी हाँ मेरी जेब से पैसे ले ले। ठीक है भैया। जब आप नए थे तभी आपने कभी इनके जेब में हाथ डाला था, ये डाल रहा है। ए शिवू, ए कृष्णा, तू ना रहने दे, मैं नवीन को फोन करता हूँ, वही लेता हुआ आ जाएगा, अभी उसे कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं भैया। आप मेरे ऐसे नहीं हो, ठीक है? नहीं, ये मुझे समझ नहीं रहा कि बिना किसी कारण के बिना कोई किसी को नफरत कैसे कर सकता है, लोग बिना कैसे होते हैं? कारण सैकड़ों हैं, तुझे पता है? या बताऊं मैं? नहीं सुनना मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे सुनने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ओहो भैया आ गए। ले शुभ,
ये रही तेरी बोतल। भाई मैं सोने जा रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे सुबह मेरे को जल्दी जाना है, सोऊंगा मैं, तुम पियो ना। सोने दो भाई उसे, ठीक है सो जाओ। भैया मुझे भी कल सुबह जल्दी जाना है, मैं भी सोने जा रहा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं सो जा। ठीक है। इसीलिए मैं तुझे पसंद करता हूँ शिबू, तू बहुत ही सीधा है, तेरे चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है, पैसों की वजह से आपके आसपास के लोग भी बदल जाते हैं। प्रीति बदल गई, स्नेहा बदल गई, मेरे सारे संबंध बदल गए, सारे सारे के सारे बदल गए, और इन सब का कारण है पैसा। सब उसके पीछे पागल हो जाते हैं। सारे के सारे रिश्ते झूठ है। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आप हमारा शो देखने के लिए आए हैं, हम आपको पूरा मनोरंजन दिखाएंगे। आइए आइए हमारे पास, आइए आइए आइए, हम आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे। आइए आइए, हमारा खेल थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। रुको मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। आइए और अपने यार दोस्तों को भी लेके आइए। हाँ सर, खेल देखने के बाद पैसे देना मत भूलना। ठीक है सर, चल मेरे जो मैं होटल पहुँच जाऊंगा। ओके ओके, मैं पहुँचता हूँ सर। यार मुझे फोन करके बुलाया, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, बस अभी गया और अभी आया। दुआ करो मेरा काम। ठीक है विजय, तू उनसे पहली बार मिल रहा है, गाड़ी लेके चला जा। पर गाड़ी? अरे तू पहली बार मिल रहा है, अच्छा इंप्रेशन। भैया सब तालियां बजाओ, देखो हमारा मोटू कैसे करतब दिखा रहा है, इसमें बहुत ताकत है, मुझे उठा लिया इसने। आ मोटू नाच नाच बेटा नाच, बहुत अच्छे। विजय नायक छठवें दृश्य में प्रवेश करता है, इसे भूल मचाना विजय। अरे हाँ, पर उसके बाद क्या है? हाँ याद आ गया, कहानी ऐसी सुनानी चाहिए कि प्रोड्यूसर उसमें डूब ही जाए, प्रोड्यूसर को और कुछ याद ही ना रहे। बहुत डर लग रहा है, उसे सुनाऊंगा तो सुनाऊंगा कैसे? आई विजय। सर नमस्ते। सर हाँ नमस्ते। सर आपको कैसे पता चला कि मैं ही विजय हूँ? आपकी दाढ़ी और आपके कपड़े देखकर मुझे ये पता चल गया कि ये हमारा इंडस्ट्री का ही आदमी है। बहुत इजी है। बाय द वे मैंने आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत अच्छी है, आपने बहुत मेहनत की है उसमें। हाँ सर, लगता है आपने इस पे बहुत रिसर्च किया। रिसर्च तो ठीक है, पर तुमने खाना खाया? सर क्यों, क्या हुआ, आप चौक क्यों गए? आपने लंच किया है कि नहीं? नहीं सर, अक्सर प्रोड्यूसर हमसे स्क्रिप्ट के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन आपने मुझसे लंच के बारे में पूछा। आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे पता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैंने भी सपना देखा और संघर्ष किया डायरेक्टर बनने के लिए, मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुझे ऐसे प्रोड्यूसर मिले जिन्होंने मेरे पिक्चर में पैसे डालने के लिए साफ साफ मना कर दिया। मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझे ये कहकर धमकाया कि वो लोग मुझ पर पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। इस इंडस्ट्री में बिना पैसों के ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है। मैंने डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और पैसा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और अपना सपना छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे अफसोस होता है कि मैंने अपना सपना छोड़ दिया। जब मैं संघर्ष कर रहा था, अब मैं खुशी और स्ट्रगल के बीच में फंस गया हूँ। देखा, अब इसलिए मैं कोई टेंशन लेता ही नहीं हूँ। क्या हुआ, मैंने अपनी एक पिक्चर डायरेक्ट नहीं की, पर प्रोड्यूस करूंगा। आजकल ऐसे प्रोड्यूसर मिलते हैं जिन्हें इस बारे में ABCD भी पता नहीं होती। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर, हम फिल्म बनाएंगे सर, बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे। पक्का बनाएंगे विजय। एक सेकंड विजय, फोन आ रहा है। ठीक है सर। हेलो, व्हाट, शिट, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ सर? मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो प्लीज। ठीक है विजय, मुझे 6 महीने दो, मैं तुम्हारी पिक्चर जरूर प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय। ठीक है सर, अर्जेंट है, बाय। तू कभी कामयाब नहीं होगा इस जन्म में, तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। कभी कामयाब नहीं होगा इस जन्म में, तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। अरे रुको रुको, ओके थैंक यू।
बैठे भाई, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ मुझे। भैया जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। विजय भैया, विजय भैया मेरी बात सुनो। विजय भैया, मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आओ भाई यहाँ बैठो, मुझे बताओ मेरी कहानी में कोई गलती तो नहीं है? क्या विजय? सुनो भाई, एक हैंडसम लड़का, बहुत ही सीधा साधा, इतना मासूम कि कोई भी देखकर उसे प्यार करे। उसके पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की, लड़का मानता है स्वर्ग को धरती पे उतार सकता है। और फिर एक दिन वो एक दूसरे को देखते हैं, लड़का हिम्मत करके प्रपोज करता है। वो लड़की के सामने घुटनों पर बैठ करके उसे सुंदर सा गुलाब का फूल देकर प्रपोज करता है। लड़की कहती है जवाब देने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। 14 दिन तक सोच विचार करने के बाद वो लड़की आकर के उसका प्रस्ताव मंजूर कर लेती है। लड़का लड़की से पूछता है, तुम्हें जवाब देने के लिए इतना टाइम क्यों लगा? लड़की उसको जवाब देती है कि मैं तुम्हें परख रही थी कि तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो या नहीं करते हो। तब लड़का उसको कहता है, एक दिन और इंतजार कर लिया होता तो पता चलता मैं मजाक कर रहा था। लड़की का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। उसे बहुत पछतावा होता है और वो पलट कर उससे दूर चली जाती है। इसके बाद जैसे वो मुस्कुराना भूल ही जाती है, बार बार विक्की को याद करती है, उसका दुनिया के मर्दों पर से भरोसा उठ जाता है। वो अपनी प्यार की भावना खो देगी। उसे लगेगा कि ये दुनिया जैसे एक धोखा है, प्रेम प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। और ऐसे में एक दिन वो अपने कॉलेज के गेट को देख करके चौंक जाती है। क्या हुआ, क्या हुआ भैया? अरे भैया, उस आदमी को क्या हुआ होगा? वो मर गया होगा क्या? क्या कोई विलन था क्या? भैया ने विलन के बारे में कुछ बताया? कृष्णा, एक भद्दा दिखने वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला इंसान ही विलन नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां भी विलन बन जाती हैं। पर भैया जब मैं आया तो यहाँ से वो चले क्यों गए? उसे डर है कि कहीं तुम उसकी कहानी ना चोरी कर लो। अब यही चीज बची है। जी बोलिए सर। जी मैडम यहीं पे हैं सर। एक मिनट सर, मैं बात करवाता हूँ। मैडम प्रोड्यूसर को फोन है। प्रोड्यूसर? जी। प्रोड्यूसर यहाँ आ रहा है? अरे ये वाला नहीं मैडम, दूसरा वाला, पुरानी फिल्म वाला। ओफो, ओह ये प्रोड्यूसर, उससे कह दो मैं बिजी हूँ। मैडम बात कर लीजिए ना प्लीज। ठीक है दो। हाय सर, कैसे हैं आप? हाँ बहुत दिन हो गए बात किए हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, यू डोंट वरी। या इट वॉज रियली ग्रेट यू नो। या हाँ जरूर बिल्कुल। ए कृष्णा। शिट। हाँ सर जरूर। मैंने डेट्स के लिए कब मना किया? जब आप कहें। मेरी डेट्स हमेशा अवेलेबल है। फाइन, बाय, थैंक यू। मंजू इस नंबर को ब्लॉक करो। ए कौन हो तुम? मैडम मैं कृष्णा हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं फोन पे बात कर रही थी, तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि दूर रहना चाहिए? सॉरी मैडम। ठीक है क्या बात है? एक्चुअली मैं सीन समझाने आया था मैडम। मैम इस सीन में हीरो आपको सबके सामने थप्पड़ मारता है और आप फ्रेम में एंट्री करती हो मैडम, और आपके एंट्री करने के बाद ही आप रोने लगती हो मैडम, और ऐसे ही आप बहुत भावुक हो जाती हो मैडम। व्हाट 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 भाव उद्वेग? व्हाट डज इट रियली मीन? भावुक हो जाती हो मैडम। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जाके डायरेक्टर को बुलाओ। मैडम आई विल एक्सप्लेन यू वेरी प्रॉपरली मैडम। बिफोर दिस सीन हीरो स्लैप्ड यू मैम इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंटल कैरेक्टर। यू कैरिंग दैट पेन एंटर टू द फ्रेम मैडम। आफ्टर टू स्टेप्स लुक टू आवर्स हीरो मैडम। यू कैरिंग दैट इमोशंस विल प्रोसीड टू द डायलॉग मैडम। मैं आपको हिंदी में डायलॉग्स दूंगा मैडम। आप हिंदी में डायलॉग्स दोगे तो इमोशंस आगे मैडम। हु आर यू मैम? कृष्णा मैडम, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। ये एटीट्यूड ऐसे ही मेंटेन रखना, इंडस्ट्री में तुम बहुत आगे जाओगे। मंजू। जी मैडम। कौन है ये?
कृष्णा है मैडम, कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा था, डायरेक्टर का नंबर दो, डायरेक्टर का नंबर दो, तंग कर दिया था मैडम, एक दिन सीधे मेरे पास आ गया। अरे मैं इस तरह से नंबर कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? देखो आप मेरे भाई हो, मैं भी आपका भाई हूँ, अब एक भाई तो दूसरे भाई के काम आएगा, है ना? आप छतरी पकड़ना और मैं क्लैप बजाऊंगा, ऐसे ही तो हम दोनों साथ में काम करेंगे। और लाइफ में पहली बार मैं इमोशनल हो गया, इसलिए मैंने नंबर दिया मैडम। तुमने जीवन में यही सबसे अच्छा काम किया है। ये आप क्या कह रहे हो मैडम? मेहनती है बहुत, इसे काम मिलना चाहिए। क्या नाम है इसका? कृष्णा मैडम। ओ कृष्णा, भैया आपने उस प्रोड्यूसर के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? भैया मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, पर मुझे बताने में क्या हर्ज है, आप बताइए मुझे। उसने मुझे चाय लाने कहा, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या हुआ अगर वो एक निर्माता है? एक प्रोड्यूसर भी तो हमारी तरह एक इंसान ही होता है। तुम एक असिस्टेंट हो तो इसका मतलब क्या है कि वो तुमसे कुछ भी करवाता रहेगा? या असिस्टेंट हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, सब लोग इंसान ही हैं। सबसे पहले इंसानियत आती है, उसके बाद आता है सम्मान और पोजीशन। कोई भी सम्मान और पोजीशन के साथ पैदा नहीं होता। अरे तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ। अब इस बात को जाने भी दो शिबू। तो आज भी फिर पूरी बोतल? नवीन आके ऑर्डर ले ले। हाँ भाई आ रहा हूँ। आप क्यों परेशान है, यहाँ से चले जाइए, मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी। संपत्ति जब तुम अपनी माँ के पेट में थे मुझे तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। काश मुझे अगर पता होता कि तुम बड़े होके ऐसा करोगे। सुना तुमने, मैंने तुम्हें इतना बड़ा करने के लिए मैंने तुम्हें अपने हिस्से का खाना खिलाया और खुद भूखा रहा, समझा? पर मुझे नहीं पता था कि बड़ा होके तू ऐसा करेगा। मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तू मुझे घर से निकाल देगा। ये बता, इसी दिन के लिए क्या मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया कि बड़ा होकर तू अपने माँ बाप के साथ ये सब करेगा? आज मुझे एहसास हुआ कि तेरी जैसी औलाद होने से माँ बाप बे औलाद रहे तो अच्छा है। आज अपने माँ के इलाज से तुझे अस्पताल का बिल ज्यादा बड़ा लग रहा है। लानत है तुझ जैसी औलाद पर। मैं उसे बचाने के लिए अपनी कमाई की एक एक पाई लुटा दूंगा और उसकी जो इच्छा है कि मरते दम तक मेरे साथ रहे, मैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और अगर वो मर जाती है तो मेरी बात सुन ले, मेरे शरीर में अभी भी इतनी ताकत है, मैं अकेला उसको शमशान तक लेकर जा सकता हूँ, पर तेरे जैसे बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, नहीं फैलाऊंगा। क्या शिबू, देर रात तक ये सब कुछ चालू है? किसने एक बार कहा था कि हमें दिन और रात की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए? जब आप अपने आप को हासिल कर रहे हो, जब आप साथ हो तो क्या फिक्र। तो फिर क्या शिबू, मैं तुम्हारे लिए कुछ बन गया हूँ। भैया आपको याद है उस रात को क्या हुआ था? वो तो मैं कभी भूल नहीं सकता। अरे भैया यहाँ बहुत आवाजें आ रही है, चलो यहाँ से घर चलते। ठीक है भाई शिबू, जैसा तुम बोलो वैसा करते। ओके नवीन। चाय देना। लीजिए, देखो ये बहुत खूबसूरत है ना। ओ चंद्रू, अरे आप, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और तुम यहाँ बैठे हो। मुझे याद है अंकल, आपके रूम का किराया। इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैंने कृष्णा से कहा किराया देने के लिए। किराया? किराया कब दोगे? आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, उसे जाके पूछो। मैंने शिबू से पूछा किराए के बारे में तो वो बोला। भैया आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अरे अजीब है। और इन साहब ने बोला, क्यों भाई किराया कब दोगे? बोला पैसे रखे तो थे पर खो गए। ये लीजिए, और इनसे कभी किराया मत मांगिएगा, किराया मैं भरूंगा। ठीक है चंद्र। नमस्कार अंकल, चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलता हूं।
हाँ, और मज्जू? जी मैडम। मैडम सीन ये है कि मैडम इस सीन में क्या होता है कि आप और हीरो नजदीक आते हैं। सॉरी मैडम। इट्स ओके, आगे बोलो। इस सीन में हीरो अपना हाथ रोमांटिक रूप से आपके ऊपर रखता है और फिर आप लोगों एक दूसरे को देखते हैं। आज मैडम वो क्या है? मेरा चेहरा यहाँ है, यहाँ नहीं। तुम इतने उतावले हो रहे हो तो शादी कर लो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। जाओ। ओके ओके मैम। जाओ, कृष्णा को भेजो, जाओ। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग मंजू? अच्छा बताओ कृष्णा कहाँ है? यहीं कहीं काम कर रहा होगा। कृष्णा कहाँ थे? कृष्णा तुम? मैं यहाँ कुछ काम कर रहा था। ठीक है, पर पहले अपना चेहरा तो साफ करो। कुछ है क्या? मंजू टिश्यू देना। मैंने आपको उसे देने के लिए कहा था, कोई नहीं। अब लग रहे हीरो। तो मैडम मैं चलता हूँ। ओके। हे भगवान, शक्ति दे। ओहो, सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम लोग? शिवु, हम पूजा कर रहे हैं। चुप। हाँ? ओहो, अरे ये सब क्या है? करो शांत रहो। सॉरी सॉरी, पूजा कर रहे हैं ना। ओके ओके। क्या भैया, आज तो बहुत पूजा हो रही है, क्या करने जा रहे हो? अरे भैया तुम क्या कर रहे हो? भैया जब देखो मुझे टोकता रहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बारे में टांग मत अड़ाना। जा रहा हूँ मैं। भैया ए, हटो रास्ते से, मेरे बीच में मत आओ। ओके। क्या भैया आप भी? हाँ। क्यों उन्हें छेड़ते रहते हो? उनका दिमाग वैसे भी गर्म रहता है, छोड़ो उन्हें। आज उनकी मीटिंग फिक्स हुई है तो दिखावा कर रहा है। देखा, सुबह सुबह कोई मिला नहीं तो गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। अरे भैया जाने दो। और तेरा बता, आज तेरी शूटिंग नहीं है? नक्षत्रा मैडम, कंटिन्यूस शूटिंग थी ना, बहुत थक गई थी इसीलिए शेड्यूल को ब्रेक मिला। नक्षत्रा मैडम? हाँ। तू सिर्फ उनकी फिल्मों में असिस्टेंट का काम करता है, भले ही तुझे दूसरी जगह ज्यादा पेमेंट मिले। हाँ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे अरे अरे, उसके प्यार में पड़ मत जाना, बच कर रहना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप भी ना, शायद उसकी हाइट भैया ज्यादा है। मैंने उसे टीवी में देखा तभी लगा कि उसकी हाइट करीबन इतनी है और तेरी हाइट तो इतनी, ये कैसे मैच होगा? अरे भैया हाँ, हाइट से फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के दिल मिलनी चाहिए। तू उसके पीछे पागल हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि तेरा भविष्य कहाँ जा रहा है, जरा बच के। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर, मैं विजय बोल रहा हूँ। चंद्रा के रेफरेंस से मैंने आपसे बात की थी सर। हाँ सर, जहाँ आपने बताया था मैं पहुँच गया हूँ। हाँ सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑर्डर प्लीज। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, उसके आने के बाद ही कोई ऑर्डर करूँगा। ओके सर। हाँ सर, मैं आपकी दाई तरफ हूँ। ओके, आई विल बी राइट देयर। थैंक यू। आप ही हो विजय? हाँ हाँ, मैं ही हूँ सर। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए सर, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत समय से काम कर रहा हूँ सर। हाँ एक सेकेंड। वेटर। यस सर। एक प्रोटीन शेक लेके आना। ओके सर। यू नो विजय, इट्स वेरी हॉट। हाँ सर। हाँ आप क्या कह रहे थे? सर वो एक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करनी थी। ओके। यू नो विजय, आई एम वेरी हंग्री, कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? वेटर, टेक एन ऑर्डर, टू बर्गर्स, नो चीज। ओके, मेक श्योर ऑफ दैट। हाँ हाँ, तो आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे? हाँ सर। उसकी स्टोरी? उसी के बारे में तो आपसे डिस्कस करने आया हूँ सर। हाँ श्योर, बताइए। वो सर, दो बर्गर बिना चीज के। सर बोलिए बोलिए, बताइए। हमारा हीरो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान, वाओ, अच्छी शुरुआत है। आगे वो क्या होता है अपनी लाइफ में? जल्दी बताओ विजय।
आपके पास टाइम है ना, मैं कहानी सुनाऊं? नो इश्यूज कंटिन्यू। कहानी मेरी एक लव स्टोरी है सर। वाओ, उस स्टोरी में एक हाँ सर। हे बेबी, नहीं तो बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, तुम लंच कर लो ना, मुझे बस 20 मिनट लगेंगे। सी यू सून, बाय। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? ये एक लव स्टोरी है। हाँ सर, ठीक है। उस कहानी में विजय, नर्वस मत हो विजय, बोलो। सर, इस तरह से यहाँ पे कहानी सुनाना? तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो ना, चलो। सर, हमारा हीरो एक बहुत ही इनोसेंट है सर। वन सेकेंड। ठीक है सर। वाओ, बहुत ही सुंदर लग रही हो। लंच हो गया? गुड 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 गुड, बस थोड़ा और वेट करो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ। हाँ सर। तो वो हमारा, तू कभी कामयाब नहीं होगा इस जन्म में, तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। इससे पहले, हाँ सर, वो हाय विजय। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तुम बहुत नर्वस हो, है ना? हाँ सर। एक काम करो, तुम मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो, वहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है? मुझे अभी जाना होगा, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। ओके ओके, ठीक है सर, चलो बाय। सर, बिल सर। विजय भाई, आप नाटक लिखते तो हैं पर नाटक देखने नहीं आते, ऐसा क्यों भला? नाटक लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, नाटक करना बड़ी बात होती है। लोग अक्सर मेरी बुराई करते हैं कि मैं नाटक देखने नहीं जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे नाटक होते हैं कि उन्हें देखकर इतना गुस्सा आता है कि सबके हाथ पैर तोड़कर रख दूं। ऐसी जगह पे अपना खून जलाने से क्या फायदा? और यही वजह है कि आप वहाँ रहते हैं और मैं यहाँ रहता हूँ। और सुनो भीमा, किसी को भी खड़ा कर देने से कोई डायरेक्टर नहीं बन जाता, डायरेक्टर तो वो होता है जो एक्टर को सब कुछ बताए। नाटक देखे बिना आपको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ कि नहीं हूँ, बताइए? एक एक्टर का चेहरा देखकर ही पता चल जाता है कि उसकी औकात कितनी है। मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मेरी क्लास बहुत ऊंची है, इसलिए जो कर रहे हो वो करते रहो। चलते हैं भैया, नमस्कार। अरे अपनी किताब तो लेते जाओ। जे? आपने आने में थोड़ी और देर लगा दी होती ना, तो शायद मैं इनके साथ निकल गया होता। ओह, उनकी बात छोड़, तू यहाँ बैठ, चल आ जा। मेरी तलाश करने में तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी ना? नहीं बेटा, तेरी तलाश में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे तो खुशी है कि तू यहाँ मिल गए। चेहरे से ही पता चल रहा है कितनी थक गई हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। वैसे खाने में आज क्या लाई हो? वैसे होगा क्या, वही रोटी करी और कुछ मिर्ची होंगी, कुछ नया तो बनाया नहीं होगा, है ना? ये सब बातें छोड़, मुझे एक प्रश्न का जवाब दे और मेरे सवाल का जवाब टालने की कोशिश मत करना। हाँ पूछो ना माँ। मैंने सुना है कि तू अपने ससुर के घर पे अक्सर जाता है, इस तरह बार बार जाना चाहिए? मैं कोई बिना मतलब के वहाँ पर थोड़ी ना जाता हूँ, वो तो थोड़ा सा जमीन का काम था इसलिए वहाँ पर गया था। मेरी बात ध्यान से सुन ले और किसी पर भरोसा कर लेना, लेकिन उसके ऊपर कभी भरोसा मत करना, समझ गया? आप क्यों बेकार में उस पर शक करती है? अपने भाई पे शक करना कोई अच्छी बात है क्या? कोई उस पर भरोसा नहीं करता, पूरा गांव उसके खिलाफ है, समझ गए? तुम उससे क्यों मिल रहे हो, तुम्हें उससे क्या काम है?
उससे भला तुम्हारा क्या वास्ता? हाँ, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलिए माँ, लेकिन उसके बारे में बुरा मत बोलना। तो तू मुझे बताएगा कि मुझे किसके बारे में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? अब तू इतना बड़ा हो गया कि मुझे समझाएगा? मुझे कितनी बार आपको बताना पड़ेगा मेरे ससुर के बारे में बात मत किया करो। हाँ बोलो विजय। क्यों, क्या हुआ? तुम वहीं रुको विजय, मैं आता हूं। चाय नहीं, मुझे 2000 रुपए चाहिए। मेरे पास तो 1000 ही हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? आप भूल गए कि उसने आपके साथ क्या किया? हा? आप अपने दामाद को संपत्ति देना चाहते हैं? मैं ये नहीं होने दूंगी। या तो संपत्ति पे आपको अपना नाम रखना होगा या मेरा। दामाद के नाम आप संपत्ति नहीं कर सकते। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो सब कुछ भूल गया हूँ? मेरी बात सुनो, तुम मेरी चाल को नहीं समझ पा रही हो। हाँ ठीक है, मैं अभी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। समझ गई। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी अकेले बैठे हुए, सीधा अंदर आ जाते। अंदर आओ। सुनो मंगला। हाँ? देखो कौन आया है। कौन है? विजय, दामाद जी आए हैं। अंदर आओ दामाद जी। मेरी बात सुनिए, आपको मेरे साथ चलना है। क्या हुआ? हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। सुनो सुनो, क्या कर रहे हो? विजय विजय, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे विजय। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो छोड़ूंगा नहीं। आप अपनी बीवी के साथ क्या बात कर रहे थे? मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। अरे बेटा, तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हो। तुम्हें तो पता है औरतें क्या बातें करती हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम धीरज रखो। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम पे भरोसा नहीं करती। तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जहाँ से आए हो वहीं जाओ, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ अगर यहाँ रुके तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। विजय, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था ये पूछने के लिए कि बिल कितना हुआ है। क्या 2000 काफी होंगे? भैया, इन सब में से प्रोड्यूसर कौन है? वो जो सफेद शर्ट में डांस कर रहा है ना, वही है। ओ। क्यों भाई, ये आदमी तुमको घूर क्यों रहा है? एक मिनट रुक, मैं बात करके आता हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। टाइम के पक्के हो? टाइम पे आ गए। हाँ सर। विजय नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर, मैं वही हूँ। हाँ। सर इधर आओ रे। अब तुम इन्हें कहानी सुनाओ। सर मैं पहले भी 3 बार कहानी सुना चुका हूँ। कहानी सुनाने से मना कर रहा है तू? सर मुझे फिर से सुनाने में कोई परेशानी नहीं है सर, पर आपने कहा था आज एडवांस देंगे। एडवांस चाहिए तेरे को? ले तेरा एडवांस। छोड़ मुझे, मुझे इसको एडवांस देने दे जरा। इसका एडवांस चाहिए ना। अरे ये कौन से फिल्म प्रोड्यूसर है?
नहीं सर, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो लोग यहाँ के लुक के लोग हैं समझे, वो ढाबे पे आके खाने का पैसा नहीं देते। जाओ यहाँ से भैया, चलो यहाँ से चलते हैं। नहीं शिवू, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मूवी बनाएंगे, लेकिन आज शायद थोड़ा नशे में है। ओ, समझ में नहीं आता क्या, लाते घूसे खाने के बाद ही समझेगा। चल जा भैया, चलो चलो। अरे शिव, चलो वो भैया। सर ये क्या है सर, मेरी तरह आपके भी तो माता पिता होंगे ना। किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बेटे का टाइम खराब हो। सर अपना टाइम पास करने के लिए आप मेरा टाइम खराब मत कीजिए सर। मेरे साथ तो कर लिया, फिर किसी के साथ ऐसा मत करना सर। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो दारू है ना, ये किसी की सगी नहीं है। आप जितने भी ताकतवर हो, ये आखिर मैं गिरा ही दे। जो काम करना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, और जिनके पास पैसे हैं उन्हें काम की कोई कदर ही नहीं है। जब भी मेरे पास माँ का फोन आता है, मुझे लगता है कि उधार मांगने वाले घर पे आए हैं। ये देखो फिर से माँ का फोन आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं। भैया आपकी माँ को आप पर पूरा भरोसा है। भैया आपके जीवन में उस इंसान जैसे लोग बहुत सारे आएंगे। भैया भैया आप कुछ हासिल करोगे, इसलिए आपकी माँ आप पर भरोसा करती है। भैया आप जो भी कर रहे हो अपने माँ के लिए कर रहे हो। अपनी माँ को ऐसे समय पर अकेला मत छोड़िए। चिंता मत करो और फोन उठाओ, बैग दो, चलो बात करो। विजय माँ, तुमने मुझे फोन भी नहीं किया, क्यों बेटा? क्या बात है विजय, बोलो ना बेटा, क्या बात है? मुझे लगा था कि आज मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज भी पैसा नहीं मिला। आप कान की बालियां बेचकर काम चलाइए, वापस आऊंगा तो दूसरी बनवा दूंगा। पैसे की चिंता मत कर, बस अपनी माँ को कभी कभी फोन कर लिया कर, तुझसे बात करके अच्छा लगता है। ठीक है माँ, आज माँ से बात करने के बाद मेरे मन को तसल्ली मिली। वो आपकी माँ है। वैसे आप कहाँ से हो? मैं उत्तर कर्नाटका से हूँ। अरे हाँ भैया, वो उत्तर कर्नाटका से है और बहुत ही मेहनती है, और उसे बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। जानते हो वो इतना मेहनती है कि पिछले 4 साल से अपनी माँ से भी मिलने घर नहीं गया। वैसे भैया उन्होंने मुझे इतना ही बताया, मुझे आपके बारे में और जानना है, आप बताइए। जैसे हर कहानी में एक विलन होता है, मेरी कहानी का विलन मेरा चाचा है। आपने मेरी नहीं विजय, मुझे मुझे मत मार, मैं तुझसे विनती करता हूँ, कृपया कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे मार डालेगा, ऐसा ना कर। विजय विजय छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। ए विजय, तू कभी कामयाब नहीं होगा इस जन्म में, तो क्या अगले 7 जन्म में नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ये मेरा श्राप है तुझको, तू कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये मेरा श्राप है, तू कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। भैया तो आपने एक श्राप के वजह से अपना घर छोड़ दिया। देखो शिवू, ओके सॉरी। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसका श्राप आपको छोड़ेगा नहीं। आज उसका काम करने का ही। शिवू, ए, मेरी थाली क्यों फेंकी? जी मैं वो, पहले बता तूने ये क्यों किया? वो क्या हुआ कि थोड़ी सी आपस में तेरी तो अगली बार ये सब करने से पहले सोचना, ये सब कहाँ से आ जाते हैं यार। उसे छोड़ दे, हम उसे बाद में देख लेंगे। छोड़ेंगे नहीं तेरे को। भैया आपने तो वाट लगा दी। टाइम अच्छा नहीं चल रहा है शिवू, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सुनिए, थोड़ी मदद करेंगे क्या? हाँ ठीक है, चलो आज चलो लगाओ। ये बैग अंदर रख देता हूँ, चलो
अरे अरे ये तो आपका बैग लेके चला गया। भैया यही था जिसने मुझे मारा, सुझा दिया मुझे, बहुत मारा। देखिए हमें आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है सर। भाई इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ, तुम साइड में खड़े रहो, इनको मैं देख लेता हूँ। चल की तो बचा है तो आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, छोड़ूंगा नहीं। हाँ। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे और मेरे भाई को हाथ लगा सके, मैं उसे मार मार कर उसका कीवा बना दूंगा। मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, अगर कोई बचा है तो सामने आए, सारे शहर के गुंडे बुला लो, मैं अकेला भारी पड़ूंगा। सारे शहर के गुंडे बुला लो, मैं अकेला भारी पड़ूंगा। नो नो, ए नीतीश, ये भी कोई फोटोशूट है क्या? हमें तो कुछ खास चाहिए जिससे कपड़ों में और निखार आ जाए।
कॉस्ट्यूम डिजाइन एकदम करेक्ट है ना सर? नहीं नीतीश, कुछ तो मिस हो रहा है। हाँ, इसका गला थोड़ा नीचे होना चाहिए, गला 3 इंच नीचे कर देना चाहिए, हीरोइन को थोड़ा सेक्सी दिखना चाहिए। सर, फर्स्ट मीटिंग में तो आपने कहा था कि एक डिसेंट कैरेक्टर है, तो अब कॉस्ट्यूम में चेंज क्यों करवा रहे हैं? मुझे मेरा कॉन्सेप्ट मत समझाओ, सेक्सी सेक्सी लड़की चाहिए मुझे। ये तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, मतलब मैं कोई लोकल टेलर नहीं हूँ सर, इसमें टाइम लगता है सर। तो मैं क्या करूँ, पैकअप कर दूँ क्या? पैकअप करो। छोटा प्रोडक्शन, छोटी सोच वाले लोग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक काम कर, डायरेक्टर ने जैसे बोला है ना, ड्रेस को बिल्कुल वैसे ही कर दे, ठीक है? उन्होंने कहा था ये डिसेंट कैरेक्टर है, अब वो ग्लैमर की बात कर रहा है। ग्लैमर? दिखाती हूँ ग्लैमर। भाई, शिबू के पास एक कहानी है, वो मुझे नहीं बता रहा है, आप पूछ कर देखिए। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे अरे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे शेखर, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। बस बस, इसे छोड़ दूं? चंद्रन, मेरी बात सुन। मैंने बहुत मुश्किलों से एक प्रोड्यूसर बताया था और इसने। अरे तुमने क्या किया शिबू, सच बोलो। उस दिन रात को जब हम बार में थे तब ये भी वहां था। इस महीने के एंड तक तुम जानते हो कि रेड्डी मेरी कहानी से पूरा इंप्रेस है। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे एडवांस दे दें, उसके अगले दिन से ही काम शुरू हो जाएगा। प्रोड्यूसर जो है वो बिल्लारी बिल्डर है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास। इतने पैसे कमाने के लिए उसने कितने लोगों को धोखा दिया है। ये नशे में क्या क्या उससे बातें कर रहा था। रुको, उसके साथ हाथापाई नहीं करोगे तुम? हमें पूरी बात बताओ। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। हमारे सामने ज्यादा बात मत करना, वरना फ्रॉड केस में फंसा देंगे। चल जा, निकल यहाँ से। मैं देख लूंगा तुम लोगों को। निकलना चुपचाप, चल चल जा जा। शुभ, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं भैया, ठीक हूँ मैं। ये तो उसका ही फोन है, शेखर, हमारा प्रोड्यूसर। तो क्या तुम्हारी कहानी रेडी है? हाँ, एक मिनट सर। अरे शिबू, अभी कहानी तैयार नहीं है। अभी तैयार करता हूँ। हाँ सर, रेडी सर। रेडी है तो सुनाओ फिर। सर, एक गांव था सर, उस गांव में 20 परिवार रहते थे। ओहो हो, अगर हम एवरेज 3 मेंबर ले तो टोटल 600 मेंबर होंगे, ठीक है? बाबा 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 बाबा, क्या मैथमेटिक्स है तुम्हारा। हर स्थानीय इलेक्शन में 20 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे, और उसमें हमारा हीरो भी इलेक्शन लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो गांव में उन 600 लोगों में से नहीं, मतलब हमारा हीरो 600 में सबसे पहला है। और ये आपको पता है क्या, और वहाँ पे उसका एक घर भी है। ये सब लोग कौन है, तुमने इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? ये इंट्रोडक्शन है बिल्डअप के लिए। अगर सारे परिवार वोट देते हैं तो चुनाव के बाद उन सबको बहुत फायदा होता है। कैसा लगा आपको बिल्डअप? क्या बेकार बिल्डअप किया है। वो कोई अपराध नहीं करता, इस दुनिया में उसकी बराबरी का कोई नहीं है। सर, ये इसके एंट्री का बिल्डअप है। सर, जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो एकदम हीरो जैसा लगता है सर। डायरेक्टर जरा रुकिए, एक लड़का है जो इस कैरेक्टर को शूट करता है, ये देखिए, देखिए, ये यंग टैलेंट है आपकी कहानी का। सर, इसकी दाढ़ी कम है। क्या बात कर रहे हैं, मेकअप से इसकी दाढ़ी बढ़ा देंगे। और क्या इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट तकरीबन 6 फीट और 2 इंच है। सर, ये चलेगा, इसकी हाइट अच्छी है तो हीरो तो बन ही जाएगा, ठीक है? हाँ सर, अब हमारे हीरो को अच्छे से रोमांस करना आना चाहिए। ओहो, हीरोइन साड़ी पहनकर गांव में चल रही है। वाह 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 वाह, वो गांव की लड़की है, उसे गहनों से लाद दो। नहीं सर, वो हाई स्कूल टीचर की बेटी है, वो लोग बहुत गरीब है सर, उनके हालात बहुत खराब है सर। सर, गहना क्या, उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं है सर, बहुत गरीब है सर। छे 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 छे, ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो रेस्टोरेंट में बैठ के डिस्कस किया जा सके, जल्दी खत्म करो। ठीक है सर, खत्म करता हूँ। हीरो हीरोइन, हीरोइन को देखकर हीरो पागल हो जाता है सर, वो इतना पागल हो जाता है कि उसके प्यार में वो दारू पीने लगता है सर, इतना दारू पीता है सर, पागल हो जाता है। अरे वो इतनी दारू क्यों पीता है? डायरेक्टर, ये देखो, ये यंग लड़की है पिक्चर के लिए हीरोइन। सर थोड़ी काली है। अरे मेकअप लगाएंगे, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा क्या? ओके सर। हीरो गोरा है, हीरोइन काली है, मैच कैसे होगा? हीरो आ रहा है, हीरोइन आ रही है, एक दूसरे को प्रपोज करने वाले हैं। ब्रेक सर, ब्रेक।
डायरेक्टर आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना कुर्सी पे, आप खड़े खड़े थक जाएंगे। एक ही बार में सुनाऊंगा। आपके अंदर बहुत पेशेंस है। वाह 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 वाह। सर, एक ऐसा टाइम आता है हीरोइन मुड़कर अपने हीरो को देखती है, हीरो भी देखता है। फिर क्या? हीरोइन एक पेड़ के पास जाती है, हीरो दूसरे पेड़ के पास जाता है। वो दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को देखने के लिए बाहर आते हैं। दोनों की टाइमिंग भी एक है। आप बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं। मुझे बताएं आगे फिर क्या होता है, कहानी कहाँ जाती है? अगर मैंने आपको बता दिया तो क्लाइमेक्स में मजा नहीं आएगा। मैं आपको क्लाइमेक्स बाद में सुनाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओ डायरेक्टर साहब, ये एडवांस का चेक ले लीजिए, पिक्चर का काम आगे बढ़ाइए। ये तो बहुत घिसी पिटी कहानी है यार। भैया, कुछ लोगों की फिल्में जीवन होती है, कुछ लोगों के जीवन फिल्म होती है। हमारी स्क्रिप्ट भी ऐसी ही होगी। अरे आप ये सब टेंशन मत लो शिबू। हाँ। प्रोड्यूसर ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया है, ठीक है? हाँ। उन्हें कभी भी धोखा मत देना। हाँ? हाँ? प्रोड्यूसर भगवान जैसे होते। हाँ? मैं उन्हें धोखा कैसे दूंगा? ए नितेश सर, जो चेंजेस बताए थे वो कर दिए ना? हाँ सर, कर दिए सर। मंजू, नितेश, तुमने कहा था जो मैंने कहा वो कर दिया। ये तो वही पुरानी कॉस्ट्यूम है। सुनो, तुमने चेंज नहीं किया। सर आपने जो बोला वही किया मैंने, पता नहीं क्या हुआ। नक्षत्र, तुमने ये कॉस्ट्यूम चेंज क्यों कर दी? नहीं तो, यही कॉस्ट्यूम दिया है मुझे पहनने के लिए। इस फोटोशूट में हमें आपको ग्लैमरस दिखाना है। ग्लैमरस? पर आपने तो कहा था कि कैरेक्टर बहुत डिसेंट है स्टोरी में। नक्षत्रा, समझने की कोशिश करो, ये कमर्शियल है। कमर्शियल? टॉप उतार दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा नक्षत्रा। चाहो तो इस फोटोशूट को हम कल भी कर सकते हैं। सर आप तो जानते हैं कि डेट्स की प्रॉब्लम है। कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर डेट देती हूँ ना आपको। कृष्णा, वो कहाँ तुम आजकल? इधर ही कुछ काम कर रहा हूँ। इतना परेशान क्यों? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है विजय। हाँ? ना नहीं तो विजय, आज तो तुम बहुत जल्दी तैयार हो गए। आज मेरी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है। अच्छा भाई है? मैं शिवू को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है विजय, जाओ और कामयाबी हासिल करो। ओके बाय। अच्छे से जाना। हाँ ठीक है। Thank you.
नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो विजय स्टोरी रेडी है ना? दो मिनट रुक जाइए सर। क्यों भाई? राहु काल खत्म होने वाला है। ओह वैसे आप कौन है? सर मैं इनका असिस्टेंट। ओह सर ये एक डायरेक्टर है और मेरा क्लोज फ्रेंड है, तो हम शुरू करें सर? करिए। तो सर एक हैंडसम लड़का है, इतना अच्छा लड़का है कि हर कोई उससे प्यार करे। तू कभी कामयाब नहीं होगा इस जन्म में, तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। सर एक हैंडसम लड़का है, सॉरी सर अभी सुनाता हूँ सर। सर एक हैंडसम लड़का है, वो लड़का सर एक हैंडसम लड़का है सर। सर वो बहुत मासूम है, वो ना तो अमीर है ना तो वो गरीब है, वो मिडिल क्लास फैमिली से। सर वो बहुत मेहनती है। सर वो जहाँ रहता है वहाँ एक सुंदर लड़की रहती है। सर वो जो लड़का है अपना, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं सर। वो ऐसा ही है। कहानी में उसके भाई को कोई मार देता है, ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, उसकी भाई की मौत का बदला लेना। और आखिरकार वो ढूंढकर अपने भाई के खूनी को पकड़ लेता है। ये प्लॉट है सर, क्लाइमेक्स आपको बाद में सुनाता हूँ। यही था सर। बिल्कुल यही है सर। ठीक है, दीपावली के बाद फिल्म शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर को बता रहे हो कि मैं डायरेक्टर हूँ। अब आपने डायरेक्टर बुलाया है तो मुझे कुछ तो करना था क्या? आप भी लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है शिवू, मैंने तुम्हें कभी अपनी कहानी नहीं सुनाई, तुम्हें कैसे पता चली? जब आप बड़े भैया और कृष्णा को कहानी सुना रहे थे तभी सुनी। मैंने स्टोरी पूरी तरह तो नहीं सुनी थी। हाँ तो मुझे क्लाइमेक्स के पहले तक सब पता था तो मैंने सुना। आपका इसमें तो उम्र बहुत दिख रही है। अरे इसे मुझे दे, शरीर की उम्र देख रहा, मन की नहीं देख रहा। देख यार अक्का बक्का आ गया है, इधर ही आ रहा है, उन्हें देख रहा है। ओ भाई हम उनके सामने परफॉर्मेंस करेंगे। अरे चल। ए, तुम जैसे बदमाशों की वजह से हमारा समाज पूरी तरह से बिगड़ रहा है। अरे भैया अगर हमें एडवांस नहीं मिला तो हम उस प्रोड्यूसर को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? आप ये सब टेंशन मत लो भाई। ए, इस समाज में कौन चोर नहीं है? आज तक की सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है जब आप असली दुनिया में जिंदगी का सामना करते हो। क्या ये तुम जानते हो कभी किसी चैन स्मोकर को पकड़ा है क्या? या कभी किसी चेन खींचने वाले को रंगे हाथों पकड़ा है आपने? अगर समाज की किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो क्या उससे ये पूछा जाता है बलात्कार कैसे हुआ? सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि जिसने बलात्कार किया है उसे सजा मिले। मुझे तुम पसंद नहीं आए। नियम कायदे जनता के लिए नहीं है। इस काम की तुम्हारी ये टोपी, ये लाठी और तुम्हारी ये यूनिफॉर्म। तू तू एक आईपीएस पे चिल्ला रहा है। तूने टोपी पे बस 3 शेर देखे होंगे आज तक। तूने आज तक चौथा और अनोखा शेर देखा है? कर्नाटक का पुलिस। तुम जो ये आज तक उल्टे सीधे काम कर रहे हो ये बहुत गलत है। तुम्हें तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने भाई की बात सुननी चाहिए, समझे? मैं आखिरी बार ये बात कह रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम जनता के सामने? देखो ये सब लोग तुम्हारे ऊपर कितना हंस रहे हैं। सर हम लोग नाटक कर रहे थे। कला की एक इज्जत होती है, उसे दिखाने की भी एक खास जगह होती है। जनता के सामने तमाशा करना अच्छी बात है क्या? सर हम लोग नाटक कर रहे हैं जिससे कि सबको हंसी आए सर, इसीलिए सर हम जनता के सामने ये करते हैं। सर हमारी वजह से आपको भी परेशानी हुई हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, हम कहीं और नाटक कर लेंगे। हम चलते हैं सर। चलते हैं सर, नमस्ते। उनकी बात सही थी ना भाई? ये आप जो भी बोलते हो वो सही होता है। मैडम मैं यहाँ उतरूंगा। हाँ ठीक है भाई, अगली बार भी हमारा नाटक देखना। ओके मैडम। ओके बाय बाय। थैंक यू मैडम। ए कृष्णा इधर आ। क्या बात है, क्या हीरोइन की गाड़ी में घूम रहे हो? ओ ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विजय भैया के प्रोड्यूसर से मिलने गए। काम हो गया? उसने हाँ बोला। क्या सच में?
वाह सुपर भाई। पर और एक प्रॉब्लम है, चंद्र भाई को अब तक कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। कभी कुछ अच्छा होता है और कभी कुछ बुरा हो जाता है। क्या हुआ था? एक बार मैं विजय भैया चंद्र भैया एक प्रोड्यूसर को मिलने गए थे। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी बोलिए चंद्रू। सर ये मेरे सहयोगी हैं विजय और इनका नाम शिवू है। नमस्ते सर। ओ सहयोगी हैं। हाँ सर। तो फिर इस कॉर्नर वाली बेकरी से चाय तो ले आइए जरा। जाइए। ओके सर, मैं अभी लेके आता हूँ सर। शिवू शिवू रुको, विजय चलो यहाँ से। चंद्रू क्या हुआ? सर अगर आप एक सहायक का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आप सिनेमा का सम्मान कैसे करेंगे? हम चलते हैं सर। अरे तो आजकल तो वो ट्रेलर का जमाना है ना, तो हम लोगों ने एक ट्रेलर बनाया अपने भैया के आइडिया प्रोड्यूसर के लिए। ये लो देखिए सर। था जो बहुत अत्याचार करता था, लोग उससे बहुत परेशान थे। वहीं एक इंसान था जो सबकी सेवा करता था। वो एक राजा की तरह था जो प्रजा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता था। जब वो गरीबों को खिला रहा था तो राक्षस ने उसके प्लेट पर लात मारी। आदमी लोगों को खाना खिला रहा है और राजा प्लेट को लात मार रहा है, इसमें लॉजिक कहाँ है भाई? लोगों को ये कैसे हजम होगा? विजय हाँ शिवू रहने देते हैं। हाँ ठीक है। अरे अरे रुको रुको, क्या हो गया? इसमें लॉजिक क्या है? सर प्रोड्यूसर के अंदर थोड़ा धैर्य होना चाहिए। मैं एक डायरेक्टर हूँ, अगर कुछ दिखा रहा हूँ तो उसमें कुछ तो लॉजिक होगा ना। अगर लॉजिक है तो तुम बताते क्यों नहीं? सर आप लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो इसके ट्विस्ट में है। कैसा ट्विस्ट? सर भोजन में जहर दिया गया था। इस दुनिया में हर कोई विश्वासघाती नहीं होता, मुस्कुराकर बात करनी चाहिए सबसे। और सर ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, विद्वानों का यही कहना है, आप जानते हैं ना। अरे भाई ट्विस्ट तो अच्छा है, अब ये तो बता दो फिल्म के आखिर में क्या होता है। सर अगर क्लाइमैक्स ही बता दिया तो फिल्म में मजा ही क्या रह जाएगा। चंद्रू हम इसे करेंगे रे। प्रोड्यूसर होने के नाते आप अपना धैर्य बढ़ाइए, हम फिल्म करेंगे सर, जरूर करेंगे। ठीक है सर, चलो भाई। थैंक यू सर। चलते हैं सर। माँ का फोन आ रहा है। हाँ बात कर लो। माँ मैं तुमको फोन करने वाला था, अब हमारी सारी चिंताएं दूर होने वाली हैं। माँ अच्छी बात है बेटा, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला है तुझे। माँ तुम्हें कुछ बताना है। हमारे मकान मालिक अपनी बेटी तुलसी के लिए लड़का देख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि विजय क्या कर रहा है, कब आएगा। ये संबंध अच्छा रहेगा, शादी जल्दी करनी होगी। मुझसे उस बारे में बात मत करो माँ, अभी तुम्हें मेरी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है माँ? माँ की इच्छा है, तू मानेगा ना? माँ वो तो ठीक है पर माँ। विजय कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन पे कभी फिल्म बन ही नहीं पाई, और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिन पे फिल्म बनी लेकिन सिनेमा में नहीं आई। हमारा संघर्ष तो इन कठिनाइयों के आगे कुछ भी नहीं है। तभी तो आपको सुपरमैन कहते हैं, हमारी परेशानी आपके सामने कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला शिवू ये संभाल सकता है? वो तो मुझे पता नहीं, पर मैं देखता हूँ और सीखता हूँ और सही समय आने पर सही फैसला लेता हूँ। ओहो शिवू आप लोग तो शुरू भी हो गए। आना बैठ। आ बैठ। बैठो शिवू। अभी हम तेरे ही बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे थे? शिवू सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं कोई। नहीं ए, भाई मेरा अरे, बिल्कुल अरे बैठो। नहीं नहीं, नहीं बैठो बैठो बैठो। कृष्णा क्या कर रहा है तू? स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ओहो प्रोड्यूसर मिल गया? नहीं मिला अब तक। हाँ नहीं मिला क्या? पहले से लिख के रखो तो अच्छा रहेगा ना। लिखो लिखो लिखो। ठीक है, एक कहावत सुनिए, बारिश आई नहीं और छाता खोल दिया। हाँ भैया सुनिए, बहुत ही फेमस कहावत है पता है मुझे, पर उसका क्या, कुछ चीजों को समझने की जरूरत नहीं होती, समझे तुम? हाँ, हाँ। लिखो लिखो लिखो। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो भैया,
आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में? वैसे मेरे माता पिता लड़की ढूंढ रहे हैं, कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाएगी। तुम आना चाहो तो बिल्कुल आ सकते हो। अरे भैया, मैं आपके शादी की बात नहीं कर रहा, मैडम की बात कर रहा हूँ। मुझे क्या पता, ये उनका पर्सनल मैटर है, अगर वो चाहें तो कल ही शादी कर सकती हैं। वो ऐसा क्या, पर आपको पता है मैडम को कैसा लड़का चाहिए, मतलब वो दिखने में कैसा होना चाहिए? मुझे नहीं पता। कृष्णा एक बात बताऊं तुम्हें, उसकी हाइट कम से कम 5'11" होनी चाहिए। क्या भैया, आप भी, हाइट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, आखिर में दिल का मिलना इम्पोर्टेंट है। ए कृष्णा, ये उस तरीके से नहीं चलता है। भैया, मैडम आपको बुला रही है। हाँ आता हूँ, खाना भी नहीं खाने देते। हाँ मैडम। कृष्णा। हाँ मैडम। मैडम सीन क्या है कृष्णा? मैम एक्चुअल में सीन है ना, बहुत डबल मीनिंग है मैम, नाइट इफेक्ट है मैडम, स्क्रीन पूरी ब्लैक है मैडम, ये आपका और हीरो का रोमांटिक सीन है मैडम। मैम आपकी चोली की डोरी खुल जाती है मैडम, तो हीरो आपकी वो डोरी बांधने की कोशिश करता है, समझे? फिर बांधते वक्त वो एकदम उसको टाइट कर देता है, फिर आप उसे कहते हो कि थोड़ा ढीला रखे, पर हीरो वो आपकी जरा भी नहीं सुनता मैडम, और जोर से खींचता है, जिससे आपको मैम दर्द होने लगता है, आप आगे की ओर गिरने लगती है, और हीरो आपको पकड़ लेता है, यही सीन है मैडम। ये भी कोई डबल मीनिंग है? एक्चुअली सीन ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मैडम, ये सब डायरेक्टर का किया धरा है मैडम, उसे कुछ नहीं आता। सच बताओ तो क्या कर रहे हो कृष्णा? सर सेट पर तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है। सर हीरोइन को तू बहका रहा था क्या? एक्चुअली सर, निकलो यहाँ से। सर मेरे बारे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? गलती नहीं। चुप रहो, मेरी बात सुनो, ये तुम्हें पसंद है तो इसे अपने घर ले जाओ, लेकिन सेट पर बॉस मैं हूँ, ये यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए। सॉरी, हम इतनी मेहनत से काम बनाते हैं, ये सब पर बात कर देते हैं। तू सर कृष्णा, आखिर कब तक ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर रहोगे तुम? अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अब तुम्हें सीधे डायरेक्टर बनना चाहिए। कहानी तैयार है मैडम, पर प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। तुम इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए प्रोड्यूसर से बात करूंगी। अरे नवीन आओ आओ। हाँ, नमस्ते भाई। अरे आओ ना। नहीं भाई बैठ। अरे बैठो ना। ठीक है, और बताओ क्या खबर है? मुझे बताइए क्या लेंगे? लिखो, 2 बियर। ठीक है भाई। एक पैकेट सिगरेट भाई। और क्या भाई? चिप्स ला। हाँ, ओके भाई, लो। ठीक है, जल्दी लाना। पता है नवीन बहुत अच्छा लड़का है, मैंने शुरू से उसे यहाँ पर देखा है। अरे भैया, उनको यहाँ भुला कर अपने साथ बिठाना वो अच्छी बात नहीं है, वो आपको सिर्फ पैसे के लिए इज्जत करते हैं भैया, समझे क्या? हमें हर रिश्ते को दौलत से नहीं नापना चाहिए शिबू। भैया अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है। उदाहरण के लिए हमारा रिश्ता देख लो, क्या चंद्रा ने कभी ये सोचा है कि हमारे पास पैसे नहीं है? अरे भैया, हमारे बड़े भैया तो बहुत महान है, आप महान लोगों की क्या बात कर रहे हो। जब हम मरते हैं तो पैसा हमारे साथ ऊपर नहीं जाता है, अंतिम यात्रा में रिश्ते ही काम आते हैं। अरे भैया समझो, ये जो सारे रिश्ते हैं है ना, उनको पैसा और बड़ी बड़ी गाड़ियों से ही मतलब है। मैं तो बहुत बड़ी गाड़ी लेकर शमशान में जाऊंगा, देखना आप। गाड़ियों में कोई फीलिंग नहीं होती है, मरने पे किसी के लिए गाड़ी रोती नहीं है। कुछ लोग पैसों के लिए रोते हैं और कुछ लोग दूसरी वजह के लिए रोते हैं। कैसे? अगर प्यार में दिल टूटता है तो लोग रोते हैं, होता है ऐसा। पैसा ही एक चीज है जो प्यार को बचाता है, बाकी कुछ भी नहीं काम आता। लोग पैसा और अच्छे इंसान में पैसे को ही चुनते हैं, समझ गए? आपकी जाति क्या है, आपका रंग क्या है, ये किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजें कुछ काम की नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो किसी भी लड़की के माँ बाप आपकी शादी उसे खुशी खुशी करा देंगे, और ये सच्ची बात है। और वैसे ही आप किसी रिश्तेदार को कहिए कि मुझे पैसे चाहिए तो आपसे वो बात करना बंद कर देगा, इसलिए मैं अब ये रिश्ते विश्ते में कुछ मानता नहीं हूँ। हर रिश्ते को आजमाना सही नहीं होता है, याद रखना शिवू। रिश्तेदार कभी किसी के काम नहीं आते, ये बात सच है। कुछ लोग हम जैसों को शादी का कार्ड भी नहीं देते, ये सोचकर के हम उनके वहाँ फ्री का खाना खा लेंगे। अरे यार चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलते हैं, खत्म तो करो। अरे भाई अब चलो, मुझे यहाँ से जाना है। अरे भैया चलो चलो। शिवू क्या कर रहे हैं? चलो चलो। शिवू ये रोड है यार। हाँ तो यहाँ बैठ कर मेरे साथ बातें करो।
चलो ना घर चलना। अरे बैठो ना यार। शिवो अपनी कहानी सुनाओ ना, मुझे बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं अपने गांव में एक शेर के जैसा था। शेर मुझे पसंद है। हाँ पर पिंजरे के बिना। सच में भैया। अरे हम अभी तक किसका इंतजार कर रहे हैं? एमएलए साहब आने वाले हैं क्या? वो यहीं पर हैं। ओह तो क्या एमपी साहब आने वाले हैं? वो भी यहाँ पर हैं। वो भी यहाँ पर हैं? तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? एक मतदाता का। ये बात है, हम एक मतदाता का इंतजार कर रहे हैं। जी भाई ना रहे हैं क्या? 5 बोतल खत्म हो गई। कौन बात कर रहा था मेरे बारे में? जो भी करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाता है मार खाने के लिए। ये सारे लोग कौन है जो मुझे ये सब करने के लिए भड़का रहा है? बेवकूफ कहीं का। आप लोग कौन हो? क्या बात है? समिति के अध्यक्ष राजन्ना है। ओ राजा, ये वही है ना जो गांव की बकरियां चुरा रहा था? सही कहा, वही है। ये लगता है बहुत समय से राजनीतिक मुखौटा पहन लिया है। भाई जाकर मतदान करने दीजिए, देर हो रही है। ए हाथ हटा, नहीं तो हाथ तोड़ के तेरे ही हाथ में दे दूंगा। पीछे हो। ए भाई देर हो रही है। जब चुनाव नहीं होता तो तुम सब गायब हो जाते हो, है ना? अब चुनाव आया है तो लोगों के सामने भिखारी बन गए हो, लोगों को बेवकूफ बना दे हो। ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर से गायब हो जाओगे, है ना? यही तो तुम्हारी फितरत है। हेलो भाई, रेडी है? रुक आ रहा हूँ। भाई कब तक वापस आएंगे? अब तो कल ही वापस आएगा। मतलब तुम्हारी कहानी में सिर्फ हिंसा है, इसमें रोमांस कहीं नहीं है? तुम अब ज्यादा सोचो मत। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे बदलने का इंतजार मत करो, शादी कर लो। ओए, कुछ बोले बिना कहाँ जा रही हो? मेरे मम्मी पापा ने एक लड़का देखा है, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओ हो, अब समझा। तो यही खुशखबरी देने के लिए तुम यहाँ आई थी? हाँ, मैं भी देखता हूँ मेरे सिवा तुमसे कौन शादी करता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझ गए तुम? इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरा प्यार छीन सके, और तुम्हारा जिसके साथ भी रिश्ता होने वाला है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे? मैं देख लूंगा, तुम जाओ अब। कहाँ जा रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हाँ देखो, मेरे जीवन में सिर्फ यही एक बुरी चीज है, अब क्या इसे भी फेंक दूं मैं? ये भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम मुझ पे भरोसा करती हो क्या? भगवान पे तो करती हो ना? देखो, मुझे एक पुजारी ने कहा था सही समय आने पर मैं सफल हो जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, एक पुजारी कैसे झूठ बोल सकता है? उसी पुजारी ने मेरे पापा को बताया है जो लड़का उन्होंने मेरे लिए ढूंढा है वो सबसे अच्छा है, समझ गए तुम?
उसने सच में ऐसा कहा? क्योंकि वो कभी कभी झूठ भी बोलता है। हे भगवान, इस लड़की के पीछे मैं पागल हो जाऊंगा। तो तुमने इतनी आसानी से हार मान ली शिवू? कहा था ना कि बदल जाओ, तो बदल गया। लेकिन मेरे पापा ने जिस लड़के को देखा है, मैं उसी के साथ खुश रहूंगी। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं? तो तुम्हें अब खुशी भी चाहिए? लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें भी एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। ठीक है, सच में छोड़ दूंगा सब। तुम सच कह रहे हो, मैं जानती थी तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। क्या कर रही हो? क्यों? अरे बैठो भी। संक्रांत में हमने एक फोटो ली थी ना, वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। लाओ दिखाओ। ये सब क्या है? तुमने सिर्फ जानवरों के साथ ही फोटो ली है? फोटो खिंचाने के लिए कोई इंसान नहीं मिला क्या? तुम तो जानते हो ना मुझे जानवर कितने पसंद है। जानवरों की जगह जंगल में ही है और वो वहाँ ही अच्छे। समझे बिना कुछ भी मत बोलो। वो बेचारे जानवरों को भी जीने का अधिकार है, जंगल में वो कैसे रहेंगे? दो मुझे। तुम नहीं समझोगे, जो चीजें जैसी है उन्हें वैसी ही रहने देना चाहिए। तुमने अभी जो बोला वो सुनने के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने गलती कर दी शिवू? अरे हाँ, इसके बाद क्या? मारो इसे, मारो इसे। सुन, छोड़ना मत इसे। बहुत हीरो बनता है। मारो, कुर्सी लाओ। छोड़ दो उसे, अच्छे से खातिर करो। रुको, रुको! तुम इंसान हो या जानवर, क्यों मार रहे हो इसे? पकड़ो ये, अब ये देखो। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारे साथ जो भी शादी करना चाह रहा है उसको मैं इसी तरह से मारूंगा। देखो इस बिचारे को, सब तुम्हारी गलती है। देखो इस बिचारे को, इसका क्या हाल हो गया है और तुमने उसको कैसा पागल बना दिया है। छोड़ो, जाने दो उसे। अगर वो तुमसे प्यार करता और तुम्हारे लायक होता तो ऐसे भाग नहीं जाता वो। अब कौन समझाए तुम्हें? तुम तो समझने से रही, जो तुमसे प्यार करता है उसे छोड़कर ऐसे डरपोक इंसान के लिए तुम कब से रो रही हो? तुम भी ना। शिवू, तुमने उसे मेरे लिए मारा, उसका अभिशाप तो मेरे सर पर ही चढ़ेगा। अब तुम समझ गए कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम्हारे सीने में दिल तो है ही नहीं। तुम ऐसा मत करना, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जरा तुम मुझे ये तो बताओ, वो लड़का मुझसे किस तरह बेहतर है? चुप रहो तुम। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मैं उस अच्छे इंसान को छोड़ दूँ? वो अच्छा है, अच्छी नौकरी है और एक जिम्मेदार इंसान है। वो कितना कमा लेता है? लगभग 1,00,000 कमाता है। 1,00,000 कमा लेता है, इसे पता नहीं है कि आप 6,00,000 कमाते हैं। मुंह बंद करो, आगे जाकर उसकी तरक्की हो जाएगी। लेकिन कभी सोचा है कि इसका क्या होगा? वो सिर्फ पैसा कमा सकता है पर वक्त आने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, समझे तुम? तो क्या मैं पति के रूप में ऐसे इंसान को चुनूं जो वक्त आने पर मेरे लिए लड़ेगा?
कुछ भी नहीं समझते। जाओ जाओ, पैसे के साथ जाओ, ऐश करो, राज करो, अपना संसार बसाओ। तुम्हें गुंडा दिखता हूँ मैं, गुंडा दिखता हूँ। भाग, चल अरे भाई, भागो यहाँ से। भाग। सबको पैसा चाहिए, किसी को प्यार की नहीं पड़ी है। हटाओ। तुम्हें नहीं लगता तुमने गलती की शिवू? तुम्हें उससे दोबारा मिलना चाहिए था। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि अगर तुम दोबारा उससे मिलते तो तुम जैसे प्यार करने वाले का दिल वो किसी भी हालत में नहीं तोड़ती। अरे रुक जाओ यार, रुको। थक गया मैं, सब सिगरेट के वजह से। अगर हमारी शादी हो गई ना तो मैं ये छोड़ दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, हमारा ये गांव, हमारे लोग, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं। चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। चलो। अरे रो क्यों रही हो, मैं बाद में सुधर जाऊंगा ना। चलो चलते हैं यहाँ से, सिर्फ तुम और मैं। शिबू, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं अपने पापा को नहीं मना सकती, वो मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। एक काम करो, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ, तुम मुझे अपने हाथों से मार डालो शिबू। आप यहाँ क्या हुआ? आपने तो सुबह सुबह डरा ही दिया। शिबू, मुझे तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स मिल गया है। क्या भैया? तुम अपनी जिंदगी संवार लो, हीरोइन तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे साथ रहने की भीख मांगेगी, मुझे यकीन है। ये क्लाइमेक्स तो पहले ही हो चुका है। कब शिबू? उस दिन जब मैं होटल में कहानी सुना रहा था, वो अपने पति के साथ कॉफी पीने आई थी, बहुत खुश लग रही थी। मैं उसे देखकर चौंक गया। और क्या उसने तुम्हें देखा? नहीं। और उसका पति? नहीं। ए, तो फिर तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? उसे वहां देखा ना भैया, हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, पर जब बात हमारे दिल की होती है ना भैया, हम कुछ नहीं कर सकते। ये राजकुमार कौन है? शिबू, तुम अभी जागे हो क्या? अरे नहीं भैया, वो रात को हम स्टोरी डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे थे, तो इसी चक्कर में हम रात को लेट सोए। तो ये सब कौन से ट्विस्ट हैं, मुझे भी तो बताओ। शिबू मैं बताता हूँ, उस कहानी में हीरोइन हीरो को धोखा देती है, और क्लाइमेक्स में मेरा कहना है कि हीरोइन को हीरो के सामने झुकना चाहिए, पर शिबू नहीं मान रहा है। मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा विजय। कहानी उसी पॉइंट पे खत्म होती है जहाँ वो नायक को धोखा देती है। अगर हीरो दिखाना चाहता है कि हीरोइन क्या है, तो ये खुद को धोखा देने जैसा होगा, समझे ना? उस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए जो संबंधित नहीं है। मान लो हीरोइन ने हीरो को धोखा नहीं दिया, हीरो ने हीरोइन को धोखा दिया, उस केस में हीरो अपराधी होगा और उसको पश्चाताप करना चाहिए। उसे खुद को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, अब साथ में नहीं है, तो बताओ फिर क्या होगा? वो दोनों क्या खुश रहेंगे? लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। इंसान इस दुनिया में किसी न किसी तरह समय के साथ आगे बढ़ी जाता है। भविष्य के सुख दुख इन सब के बारे में किसको पता है? भैया, गुड न्यूज है, मुझे प्रोड्यूसर मिल गया। बहुत अच्छे कृष्णा, ग्रेट यार, बधाई हो। भैया ये पकड़ो। क्या हुआ? ठीक है, प्रोड्यूसर का फोन आया था, उसने कुछ सरप्राइज रखा है और मेरे लिए ऑफिस खोला है, तो मुझे जल्दी जाना होगा। ओ, प्रोड्यूसर मेरा वेट कर रहा होगा, तो मैं अभी निकलता हूँ। ठीक है भैया, मैं इसे छोड़ के आता हूँ। ठीक है, चलो। कृष्णा बहुत ही मेहनत कर रहा था, अच्छा हुआ कि उसको एक प्रोड्यूसर मिल गया। तुम्हें एक सच्चाई बताऊं, ये जो कृष्णा है ना, ये कृष्णा ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहेगा। भैया उसे छोड़कर आ गया मैं। अरे सुनो ना, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। हेलो सर, हमें रेकी के लिए निकलना होगा। हाँ मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ। हाँ सर,
ठीक है मैं आता हूँ। ओके ठीक है जल्दी आओ। ओके 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 भैया प्रोड्यूसर का फोन आया था, हमें जाना होगा, आप भी तैयार हो जाओ। ठीक है मैं भी आता हूँ। ये लोकेशन तो बहुत अच्छी है सर। मुझे मालूम था कि आपको ये लोकेशन बहुत अच्छी लगेगी। ओए इधर आ। हाँ सर अभी आया। इधर आ। ये लीजिए सर। प्रवीण नमस्ते नमस्ते। ये चेयर किसके लिए? आपके लिए सर। अरे मेरे लिए ऐसा मत करो। हाँ कोई जरूरत नहीं है सर, लोकेशन पे हीरो पहुंचा के नहीं, इसे सिखाइए कि आपको क्या चाहिए। अगर ये नहीं सुनता है तो इसको लात मार के बाहर निकालिए। ए डायरेक्टर साहब जो कहते हैं उसे सुन। सर बस एक सेकेंड। हेलो प्रवीण। हाँ बोलो 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 बोलो। साइडो सर यहाँ पे किस चीज की शूटिंग हो रही है? वो फिल्म का टाइटल तो मुझे पता नहीं है, पूछ के बताऊं क्या? ठीक है पूछ। क्या विजय भैया? हाँ लोकेशन तो बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी है। सेटिंग क्या कर रहे हो? जल्दी से धुआं करो। जी सर अभी करता हूं सर। अपने चारों तरफ देखोगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शिवू हम में और उनमें बहुत अंतर है शिवू। अरे डायरेक्टर साहब की आंखों में ये लोकेशन देखकर आंसू आ गए। कमाल हो गया, हिट होगी। अरे और आपका एसोसिएट भी रो रहा है, कमाल की बात है। तुम लोग फालतू में इसे एक इशू बना रहे हो। आपके लिए फालतू इशू है हा? वैसे तो आप हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और वहाँ पर एक छोटे आदमी का काम कर रहे थे। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना मूल्य और महत्व होता है। हमें पता है कि आपने अपनी नजर में कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन हमें लगता है कि आपने जो भी किया है वो गलत है। क्या आप साबित कर सकते हैं आपने जो किया वो गलत नहीं है? अगर मैं तुम्हें कारण बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है अगर तुम्हें किसी ट्रिप पे जाना होता है तो सबसे पहले तुम एक प्लान बनाते हो। जब ड्राइवर को डेस्टिनेशन के बारे में पता चलता है तो वो तैयार हो जाता है सभी यात्रियों को सुरक्षित उस डेस्टिनेशन पे लेके जाने के लिए। तुम्हें पता है क्यों? रीजन जानते हो? क्योंकि वो ड्राइवर चाहता है कि उन सभी सवारियों को कोई भी परेशानी या तकलीफ ना हो। और तुम ही थे ना जो मुझे हमेशा याद दिलाते थे कि इस महीने का किराया भरना भी बाकी है ना? और हाँ शिबू तुमने मुझे फोन किया था ना अपने रेस्टोरेंट का बिल क्लियर करने के लिए। हमारे बीच कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जो पैसे कमाए। अब तक वो मैं कर रहा था। काश मैंने चंद्रा को अपने प्रोड्यूसर से मिलवा दिया होता। वो एक बहुत ही सीरियस प्रोड्यूसर है। ये सब पता चलने के बाद पता नहीं वो क्या कहेगा। सर सर सर, सर। क्या हुआ? आपसे बात करना चाहते हैं। आओ। आइए अंकल। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम राममूर्ति है, ये मेरा दामाद है अजय। ये फिल्मों में हीरो बनना चाहता है। इसीलिए मैंने प्रवीण को आपसे बात करने के लिए कहा था। उसने मुझे आपकी काबिलियत के बारे में बताया और ये बताया कि आप कितने टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। बजट की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, भले ही 5 करोड़ लग जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, पर मेरा दामाद हीरो बनना चाहिए। ठीक है करते हैं। सर आपकी फिल्म का बजट कितना होगा अगर आप मुझे बता देते तो? 5 करोड़। आपने तो बताया। मैं आपको पूरा पैसा एक साथ दे दूंगा। आप जल्द से जल्द शूटिंग की तैयारी कीजिए। ओके ठीक है। ओके भैया हम अभी जस्ट प्रोड्यूसर ढूंढने की बातें कर रहे थे और देखो मिल गया। पर ये हुआ कैसे? भैया हमारे नसीब में जो कुछ लिखा होता है ना वो कुछ भी हो आखिरकार होकर ही रहता है। और एक बात, हम कृष्णा से मिलकर आते हैं। ठीक है इस पे काम करते हैं। आप यहीं पे रुको और तुम जाकर सब फॉलो अप लो, हमारे पास टाइम कम है समझे। ओह हमारे डायरेक्टर साहब अपने पर्सनल ऑफिस में काम कर रहे हैं,
अच्छा तो यही कारण से तुम तुम्हारे बड़े भाई को मिलने नहीं आते। और बताओ तुम्हारी शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है शिवू? ए शिवू मेरी बात सुनो, जैसे तुम एक डायरेक्टर हो वैसे मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। अगर तुम मुझे इज्जत दोगे तो मैं भी तुम्हें इज्जत दूंगा। मेरे लोगों के सामने मेरे साथ ऐसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपके पास कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्यों दिख रहा है यार? बताता हूँ। आज ये तो समझ गया कि लोग समय के साथ अपने रंग भी बदलते हैं। चंद्रा भाई ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हम उनके लिए कुछ करेंगे। भले ही लोग बदल जाए फिर भी हम कभी भी नहीं बदलेंगे। चलो अरे चलो। यहाँ कैसे? कुछ नहीं भैया, आज हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर ने आज मुझे बुलाकर हमारे फिल्म का एडवांस मनी दिया। ध्यान रखना, इसमें बहुत रिस्क है। मैं वही सोच रहा था, प्रोड्यूसर के दिए हुए इतने पैसों में सिर्फ एक ही पिक्चर क्यों बनानी? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आप बहुत अच्छी तरह जानते हो भैया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रुको तो, चंद्रा को क्या बताना है? निर्माता कौन है? जूनियर आर्टिस्ट। अरे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। अरे रुको। अरे देखो चंद्रा वहाँ है। चंद्रा भैया आओ, बैठो। आओ ना, जल्दी आओ जल्दी। कहाँ जाना भाई? आप शूटिंग शुरू कीजिए, बजट की चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगा। ओके? मेरा कारोबार फॉरेन में है, इसलिए मैं भारत के बारे में ज्यादा नहीं जानता। पैसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करूं? पैसे आप विजय के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जैसा आप कहें, मैं विजय के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कुर्सी लाओ। सर अपना शेड्यूल अभी खत्म होने आया है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। आर यू हैप्पी सर? बिना हीरोइन के शेड्यूल खत्म हो रहा है तो आप ही बताइए मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? सर व्हाट आर यू सेइंग? कृष्णा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या डीप डिस्कशन चल रहा है? नहीं नक्षत्र, मैं कह रहा था कि हम गाने जो है रोमांटिक जगह पे शूट करेंगे, यही बात चल रही। वाओ सुपर, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। सॉन्ग की शूटिंग वही होगी ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए। 100% होगा ना? हाँ जरूर, 100% हम जाएंगे। हम लोग साथ में जाएंगे, पक्का है ना? जाएंगे, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। ओके बिल्कुल जाएंगे। हाँ पक्का, क्या ओके? जरूर ओके। हाँ बिंदा, मैं तो बड़ा होके फिल्म बनाऊंगा। अरे वाह, क्या मारा है मैंने देख। कृष्णा मुझे बताओ ना कैसे खेलना है? ओए वहाँ पे खड़ा हो जा, मैं सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। ए, नक्षत्र की मूवी लगी है। कल मेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं तो क्या करें हम लोग, चलें? भैया मैं कल मूवी देखने जा रहा हूँ, तुम चलोगे क्या?
मेरी द्रौपदी, मेरी रानी पुष्प वाटिका में मेरा इंतजार कर रही है। उससे दूर होकर मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे उससे फौरन मिलना है। अरे वानर, अपनी पूछ को यहाँ पर बिछाकर तू आराम से सोया हुआ है और अनजान बना हुआ है। देखता नहीं मैं तेरी पूछ की वजह से गिर गया हूँ। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। देखो विजय, ये कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हमें इन्हें मौका देना चाहिए फिल्म में। हाँ, जरूर मौका देंगे। ए मानव, आप कौन है? आप यहाँ खड़े होकर मुझ पे क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ भीम, महान बलशाली। भीम, आप यहाँ से प्रस्थान करें और मुझे आराम करने दें। आप नाराज क्यों हैं? आओ चलते हैं, कैमरामैन इंतजार कर रहा है, अभी बहुत काम बाकी। अगर जीवित रहना चाहते हो तो उठकर दूर चले जाओ। मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ क्योंकि मैं उठने में असमर्थ हूँ, और आप मेरी पूंछ से कैसे गिर सकते हैं? मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। परेशान मत कीजिए। बहस मत करो और अपनी पूंछ हटाओ वानर। मेरे शरीर में उठने की ताकत तक नहीं है, तो मैं पूछ कैसे हटाऊं? आप स्वयं इसे हटाकर आगे प्रस्थान कीजिए। अच्छा, ये बात है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास अधिक देर रुकूं। अगर तुम स्वयं नहीं हटे तो मैं तुम्हें अपने बल से हटा दूंगा। तुम्हें हटाने के लिए मेरी एक छिंगली ही पर्याप्त है। कौन है ये महान बलशाली? आप बहुत महान हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। उठिए, उठकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। उठिए मान्यवर, आपको उठना ही होगा और मुझे आशीर्वाद देना होगा। भाई, उठ जाओ भाई। भाई, 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 उठो भाई, 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 उठ जाओ भाई। देखो ना भाई, भाई लोग हम पर हंस रहे हैं। उठो भाई, भाई ऐसे मत करो। देखो हमने कितना अच्छा नाटक किया, लोग हम पर हंस रहे हैं। भाई भाई, कॉमेडी करने वालों को सीरियस रोल सूट नहीं करता है। हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करके हमेशा हंसने चाहिए। आप गिरे तो इतना अच्छा नाटक किया कि लोगों को लगा सच में मर गए हो। मैं तो सच में नीचे गिर गया था। मैं गदगद महसूस कर रहा था। चलो अब यहाँ से चलते हैं और कहीं और जाके नाटक करते हैं। भाई, वो तो आप इसलिए गिरे क्योंकि धूप ज्यादा थी। ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। चलो काम पे चलते हैं। आ जाओ भाई। Thank you.
जी मैडम। हाँ मंजू। हाँ मैडम, मैंने कृष्णा को कॉल किया था। ओके। मैडम फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तुमने ऑफिस जाके देखा? मैं उसके ऑफिस गया था मैडम। वहाँ नहीं था क्या? नहीं मैडम, वहाँ पे नहीं था। ठीक है, तुम स्टूडियो आ जाओ। ओके मैडम। जी मैडम, आता हूँ। क्या भैया, देख के चौंक गए ना? सारे लोग ही चौंक गए हैं। अंकल आपके किराए के पैसे बोल देना मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम्हारा हिसाब कितना हुआ है। ओ, क्या चंद्र भैया, आज तो सुबह सुबह। तू भी ले ले। अरे भैया ये सब अभी नहीं, रात को करेंगे ना। ये लो, ये कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ, 10 मिनट में हमें यहाँ से निकलना है। पर कहाँ? अरे वो सब मैं आपको रास्ते में बता दूंगा। तुम्हारे दोस्त शादी में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आऊंगी ना। हाँ पक्का बोला ना। जरूर। ओ फोन आ रहा है। हेलो। हेलो कृष्णा, कहाँ हो तुम? मैडम मैं थोड़ा बिजी हूँ। कोई बिजी बिजी नहीं हो, झूठ मत बोलो। हाँ मैडम, गांव आया हूँ शादी के लिए। तुम यहाँ जल्दी आओ कृष्णा। सॉरी मैडम, मैं नहीं आ सकता मैडम। बोलो कृष्णा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। हाँ मैडम। वो जो लड़की हो बैंगलोर नहीं रहती। यहाँ मैं किसी और की शादी में नहीं आया मैडम, बल्कि मेरी ही शादी है। What? आपकी प्रोड्यूसर के साथ बातचीत को कृष्णा ने शायद गलत समझ लिया है मैडम। आप कहें तो मैं कृष्णा से बात करता हूं मैडम। मंजू एक बात बताओ। जी मैडम, पूछिए क्या पूछना है। तुम्हारा काम क्या है? शेड्यूल। मेरे लिए स्केड्यूल्स बनाना, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। सॉरी मैम। याद रखो, जिस काम के पैसे मिलते हैं वही करो। चंद्र भैया। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? तो बताओ कैसा लग रहा हूँ? हाँ तेरे को सूट करता। अरे विजय भैया को देखो। वो कहाँ पे? भैया कैसे लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलो बैठो भैया। ये कार किसकी है? प्रोड्यूसर के दोस्त की। सर हाँ? अरे प्रोड्यूसर के दोस्त की। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। भैया एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी ऐसी गाड़ी लेंगे। वो कार देख रहा है, इतना अच्छा होता कि वो कार मैं चला रहा होता। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं भैया, आंख में धूल चली गई। सुनिए, आप बेंगलोर से वापस कब आ रहे हैं? हेलो विजय भैया। कृष्णा। नमस्ते भैया। हाँ नमस्कार भाई, चंद्रा से बात हुई? हाँ भैया, चंद्र भैया को फोन किया और उनका फोन नहीं लगा। हेलो कृष्णा। भैया आप कैसे हो? भैया मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओह, मैंने इसीलिए आपको फोन किया भैया। हाँ वेरी गुड। लड़की कौन है? भैया सरपंच की बेटी। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शिबू से भी बात करो, वो भी है हमारे साथ। शिबू भैया। हाँ कृष्णा भैया बोलो। मेरी शादी फिक्स हो गई है भैया। और भैया आप तीनों को आना ही होगा, हम पक्का आएंगे। कृष्णा तू तो हम तीनों भाइयों का सबसे छोटा भाई है, हमने साथ में खाया पिया और समय बिताया।
भले ही तूने मुझे पहले नहीं बुलाया पर मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, मुझे शादी की बहुत सारी बधाइयां। चलो मैं रखता हूँ। चंदू जी, आपकी फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है। हमारे सूत्रों के अनुसार इसे अवार्ड मिल सकता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ अवार्ड के लिए ये फिल्म नहीं बनाई गई थी, ये फिल्म जीवन के मूल्यों को भी दर्शाती है। फिल्म के पात्रों का समाज और प्रकृति के साथ संबंध दर्शाया गया है, इसीलिए इस फिल्म को नामांकित किया गया है। इसे निश्चित रूप से पुरस्कार मिलेगा, आप ये कैसे कह सकते हैं, जरा विस्तार से बताएंगे? इसकी कहानी के कारण, और ये संभव हुआ मेरे दोस्तों के कारण जो कि मेरे लिए भाई जैसे हैं। मैंने उन लोगों से ही इस जीवन के मूल्यों को सीखा है और उनसे ये भी सीखा है कि जीवन में कैसे बदलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उनमें से एक व्यक्ति से मैंने एक बार पूछा था कि सच बताओ शिवू, तुम इंडस्ट्री में क्यों आए? मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पैसा। वही व्यक्ति एक अलग परिस्थिति में एक अलग तरीके की बात करता है। देखो भैया, चंद्र भैया के सपने के सामने पैसे की कोई कीमत नहीं है भैया, सपना इम्पोर्टेंट है। पैसा तो हम कमा लेंगे भैया। दूसरा व्यक्ति परिस्थितियों से बहुत ही ज्यादा डरता था। जो काम करने वाले होते हैं उनकी जेब में पैसा नहीं होता, और जिनके पास पैसे होते हैं वो काम करने लायक नहीं होते। दूसरी परिस्थिति में मेरे अंदर साहस भर रहा था। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपके साथ चलूंगा। अकेलापन जो कि हमेशा मेरे साथ था, मुझे ये नहीं पता था कि उससे बाहर कैसे निकलना है। चारों तरफ थी सिर्फ निराशा, चारों तरफ थी सिर्फ नाकामी। जीवन से उठने लगा था मेरा विश्वास, और लगता था कि समुंदर भी मांग रहा है कुर्बानी। जिंदगी के गायब होने वाले रंगों के बीच एक रंग जो अभी भी बाकी है वो है ईमानदारी। जिस तरह से मैं इन परिस्थितियों से बाहर आया हूँ, जिस तरह से मेरे जीवन में बदलाव हुआ है, अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो खुद से पूछता हूँ कि कहीं मैं स्वार्थी तो नहीं हो गया या फिर अवसरवादी। मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या जीवन में क्या मैं कुछ भी हासिल कर पाया या फिर अपने इस जीवन में मैं कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा और फिर बिना कुछ करे मर जाने का डर। क्या मैं इस जीवन में एक नाविक की तरह हूं? कैसे पार करूं इस समंदर को, मुझे तो इस पे भी भरोसा नहीं। ना कोई नाम है ना कोई पहचान है, समुंदर है कि पैरों के निशान को भी बार बार धो जाता है। मैं इस वीरान किनारे पर अकेला बैठा हूँ और इन प्रचंड लहरों का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अपने विचारों में जरा खो गया था।
ए चंद्रू, अरे फर्श को अच्छे से साफ कर। जो लोग मुझसे इस तरह से बात करते थे अब सम्मान देंगे। परिस्थितियां इसी तरह से बदलती हैं। एक वक्त जिसके पास बस का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज उसे कार लेने आई। लगता है कि शायद अब मेरी परिस्थितियां भी बदल चुकी हैं। आप अपनी फिल्म के बारे में तो बताइए। देखिए, मेरी फिल्म खुद अपनी बात कर रही है। नमस्कार। तुमसे नहीं करेंगे। मैं अपने पापा को कभी नहीं मना सकती, कभी भी नहीं। जब निराशा आपको घेर ले और जीवन में कोई भी रास्ता ना दिखे, तब अपने ऊपर और अपनों के ऊपर भरोसा रखें। कामयाबी जरूर मिलेगी। विजय, हाँ जरा बेकरी पे रोकना तो।